हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके लिए एक काफी अच्छी सीरीज लेकर आए हैं और इस सीरीज का मेन कैरेक्टर आपको काफी पसंद आने वाला है, इसलिए वीडियो को जरूर से पूरा देखना और वीडियो को काफी ध्यान से भी देखना, वरना हो सकता है आपको ये सीरीज समझ ही ना आए। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें पता चलता है कि यंग बच्चों के बीच एक अजीब सी बीमारी फैल रही है, जिसकी वजह से सभी लोग ज्यादातर इंटरनेट पर ही रहने लगे हैं, जिसे उन्हें बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया है और हमेशा अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ही लगे रहते हैं। इस बीमारी को लोगों ने नाम दिया है इंटरनेट एडिक्शन। तो सभी बच्चों को वापस ठीक करने के लिए और वापस से उन्हें सभी कामों में सक्षम बनाने के लिए लोगों ने एक एकेडमी बनाया है, जिसका नाम है द इलाइट रिडक्शन एकेडमी। ये एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चों को इंटरनेट से दूर करके वापस से जीना सिखाया जाएगा। जिसके बाद हम एक लड़के को गेम खेलते हुए देखते हैं, जिसे गेम खेलने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था और वो एक गेम पूरा करने के बाद दूसरा गेम शुरू करने जा रहा था, पर तभी वो लड़का अचानक से बेहोश हो जाता है, जिसके बाद सपने में उस लड़के को दिखता है कि उसकी मदर उसे कह रही थी कि अब उसे स्कूल जाने की जरूरत नहीं और वो आराम से गेम खेल सकता है। तभी उस लड़के की आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि उसका नाम हिकी भी है और हिकी भी अपने आप को एक अनजान जगह पर देखता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है और यहाँ कैसे आया। हिकी भी के साथ उस रूम में कुछ लोग और भी थे और ये बात कर रहे थे कि शायद ये डोर बाहर से बंद है, इस वजह से खुल नहीं रहा। पर तभी हिकी भी काफी जोर से चिल्लाता है और कहता है कि क्या वो गेम वर्ल्ड में आ गया है। हिकी भी को ऐसा इस वजह से लग रहा था क्योंकि उस रूम में वो चार लोग थे और वो डोर भी लॉक था। ज्यादातर हर गेम की शुरुआत ऐसे ही होती है। फिर हिकी भी उस दूसरे लड़के के पास चला जाता है और उनसे पूछने लगता है कि क्या वो सभी सोल्जर है और क्या अब उन्हें जॉम्बीज को मारना है या मॉन्स्टर्स को। पर एक लड़का हिकी भी को धक्का देता है और कहता है कि उनमें से सिर्फ वही है जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। साथ ही वो कहता है कि अगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसे चुपचाप साइड में बैठना चाहिए, ना कि ऐसे शोर करना चाहिए। पर तभी एक दूसरा लड़का उन्हें चुप होने की कहता है क्योंकि उसे कुछ लोगों के आने की आवाज आ रही थी। तभी गेट खुलता है और चार आदमी जिनके पास वेपन भी थे वो अंदर आ जाते हैं। उन्हें कुछ समझ आता इससे पहले एक लेडी आने लगती है, जिसे देखकर सभी काफी डर जाते हैं और वो उस आदमी से पूछती है कि क्या आज उन्हें ये गंदे लोग मिले हैं जिन्हें उन्हें सुधारना है। फिर वो लेडी उन सभी को बताती है कि अभी वो सभी द इलाइट रिडक्शन एकेडमी में हैं और वो यहाँ की हेडमास्टर और उसका नाम जिन है। जिसके बाद हम एकेडमी को देखते हैं जहाँ सभी बच्चे काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि उन्हें सुबह से ही लगातार दौड़ाया जा रहा था और अब तो शाम तक हो चुकी थी, जिसकी वजह से एक लड़का आराम करने की कहता है और जमीन पर ही गिर जाता है। पर एक आदमी आगे आता है और उस लड़के को काफी बुरी तरह से मारता है और बाकियों से भी कहता है कि अगर उन्होंने भी भागने से मना किया तो उनके साथ भी यही होगा और साथ ही जो भी लास्ट आएगा उसे 5 लैप ज्यादा मारने होंगे। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो आराम से लेटा था और उसे ये सब काफी पसंद आ रहा था। फिर वो लड़का देखने लगता है कि अब की बार उनकी एकेडमी में कौन से नए बच्चे आए हैं। वहीं दूसरी तरफ उन चारों में से एक लड़का कहता है कि वो उन्हें ऐसे कैद करके नहीं रख सकते क्योंकि उसे उनके बारे में सब पता है। वो कोई एकेडमी नहीं है बल्कि वहाँ इंटरनेट एडिक्टेड वाले बच्चों को टॉर्चर किया जाता है। तभी उनमें से एक आदमी आगे आता है और उस लड़के को काफी बुरी तरह से मारने लगता है। ये देखकर बाकी लड़के काफी डर जाते हैं और जिन उस आदमी से मुंह पर ना मारने की कहती है क्योंकि उनके पेरेंट्स अगले महीने उनसे मिलने भी आएंगे। फिर उस लड़के को पूरी तरह से मारने के बाद वो आदमी बताता है कि वो उस एकेडमी का हेड इंस्ट्रक्टर है और उसका नाम है शियान। फिर शियान बाकी तीनों लड़कों को लाइन में खड़े होने की कहता है और उन्हें बताता है कि इस जगह पर वो सिर्फ उनकी बात मानेंगे और उन्हें मना करने का कोई हक नहीं है। फिर हम वापस से उसी लड़के को देखते हैं जो हिकीबी के बारे में पढ़ रहा होता है और हमें पता चलता है कि हिकीबी को उसकी मदर ने इस एकेडमी में भेजा था और जब तक हिकीबी 18 साल का नहीं होता तब तक वो यहीं रहेगा। शियान ये बात हिकीबी को भी बताता है और ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मदर उसके साथ ऐसा भी कुछ कर सकती है। साथ ही हिकीबी के 18 साल के होने में अभी पूरा 1 साल था और इतना लंबा टाइम वो कैसे यहाँ बिता सकता है। फिर शियान हिकीबी से एक सवाल पूछता है कि और हिकीबी के कोई भी जवाब देने पर उसे मारने लगता है, जिसके बाद हिकीबी देखता है कि उन्हें उस जगह पर काफी बुरी तरह से रखा जा रहा था और लगातार उन्हें मारा भी जा रहा था। फिर शियान उन्हें बताता है कि वो सुबह 7 बजे उठ जाएंगे और 9 बजे वापस अपने डॉर्मर्स में आएंगे। हिकी भी ये सब सुन रहा था और समझ भी रहा था कि उन्हें इस जगह पर बिल्कुल भी इंसानों की तरह नहीं रखा जा रहा था, उन्हें यहाँ जानवर से भी पूरा माना जा रहा है। इसलिए हिकी भी के दिमाग में सिर्फ वहां से भागना ही चल रहा था। जिसके बाद हिकी भी छत पर जाने लगता है और जाते हुए सोचता है कि जब वो अपने घर पर रहता था वो सिर्फ गेम में ही लगा रहता था,
और जब उसकी मदर उसे खाना देने भी आती थी तब भी वो उन्हें भगा देता था। फिर हिकी भी छत पर पहुंच जाता है और देखता है कि आसपास सिर्फ जंगल है और वो एक बहुत बड़ी जगह पर कैद है और वो जगह किसी जेल से कम नहीं है। दूसरी तरफ हम लड़कों को देखते हैं जो उस जगह पर पुराने हो चुके थे, जिसकी वजह से उन्हें वहां ज्यादा परेशान नहीं किया जाता क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि वो अब सुधर चुके हैं। तभी सारे इंस्ट्रक्टर वहां तीनों लड़कों को लेकर आ जाते हैं, पर तभी वो देखते हैं कि हिकीबी गायब है। ये देखकर सभी हिकीबी को ढूंढने लगते हैं। हिकीबी ये सब छत से देख रहा था और हिकीबी कूद कर अपनी जान देने की सोच रहा था क्योंकि वो इतनी मार नहीं सह सकता। तभी हिकीबी के पीछे वही लड़का आ जाता है जिसे हमने पहले देखा था। फिर वो लड़का हिकीबी से कहने लगता है कि उसे नीचे ही कूद जाना चाहिए क्योंकि सिर्फ उसके जान देने से दुनिया को पता चल जाएगा कि इस एकेडमी में स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है। इससे हजार से भी ज्यादा स्टूडेंट्स आजाद हो पाएंगे और हिकीबी हीरो बन जाएगा। हिकीबी भी ये सब सुन रहा होता है पर आखिर में वो कूदने से मना कर देता है। फिर वो लड़का हिकीबी से कहता है कि अगर वो उसे उसकी लाइफ देगा तो वो उसकी लाइफ को मीनिंग देगा। फिर वो लड़का हिकीबी से कहता है कि वो उसे एक मैन बना देगा, पर हिकीबी उसे कहता है कि वो अभी मैन बनना ही नहीं चाहता। फिर हिकीबी कहने लगता है कि उसे लगा था कि वो लड़का एक लड़की है। ये सुनकर वो गुस्से में आ जाता है और हिकीबी को मारता है, पर फिर हिकीबी कुछ ऐसी बातें भी बोलता है जिसकी वजह से वो लड़का और गुस्से में आ जाता है और हिकीबी को पीटने लगता है। वहीं सब इंस्ट्रक्टर हिकीबी को ढूंढ रहे होते हैं पर उन्हें हिकीबी कहीं नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ वो लड़का अपना नाम शिन बताता है और हिकीबी को दूरबीन देते हुए कहता है कि वो जितनी चाहे उतनी लड़कियों को पसंद कर सकता है, वो उसे यहाँ जरूर मिलेंगी। ये सुनकर हिकीबी काफी खुश हो जाता है और शिन की हर बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हिकीबी लड़कियों को देखने लगता है, तभी हिकीबी को एक लड़की दिखती है जिसे वो पहले से जानता था। हिकीबी शिन को बताता है कि उस लड़की का नाम शियोरी है और वो दोनों एक ही मिडिल स्कूल में जाते थे। फिर जाते हुए शिन हिकीबी से कहता है कि अब और आज से हिकीबी की लाइफ और उसकी बॉडी शिन से बिलोंग करती है। जिसके बाद हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर हिकीबी को ढूंढ नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से शियान काफी गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो सभी सिर्फ एक नए लड़के को नहीं ढूंढ पा रहे थे। तभी शिन हिकीबी के साथ वहां आ जाता है और शिन उनसे कहता है कि हिकीबी बाथरूम का रास्ता ढूंढते हुए खो गया था, इसीलिए शिन उसे उनके पास ले आया। फिर शियान शिन के पास आता है और उसे कहता है कि अगर वो हिकीबी को बचाने के लिए झूठ बोल रहा होगा तो उसे इसकी काफी भारी कीमत चुकानी होगी। पर शिन कहता है कि उसे पता है जो लोग झूठ बोलते हैं या भागने की कोशिश करते हैं उनके साथ यहाँ क्या होता है। फिर शिन उन्हें बताता है कि ये नया लड़का उसका कुत्ता बनने के लिए मान चुका है। ये सुनकर सभी के चेहरे पर एक अजीब रिएक्शन आता है और शियान शिन से हिकीबी का अच्छा ख्याल रखने की कहकर चला जाता है। जिसके बाद हिकीबी काफी खुश हो रहा होता है क्योंकि शिन ने उसे बचा लिया था और साथ ही उसकी वजह से उसे मार भी नहीं पड़ी। हिकीबी ये भी सोच रहा होता है कि शिन शियोरी के बारे में भी सच ही बोल रहा होगा। फिर शिन एक लड़के वुडो के पास जाता है और उससे कुछ कहता है। शिन की बात सुनने के बाद वुडो एक लड़की के पास जाता है और उसके कपड़े उतारने लगता है। हिकीबी शिन से पूछता है कि क्या ये उसने करवाया है। तभी वुडो उस लड़की के कपड़ों में हाथ डाल देता है और उस लड़की के कपड़ों से फोन बाहर निकालता है। फिर वुडो और उसके दोस्त उस लड़की के बाकी कपड़े भी फाड़ने लगते हैं क्योंकि वो कह रहे थे कि उस लड़की के पास और भी डिवाइस है। कोई भी बीच में नहीं बोल रहा था, पर तभी शियोरी सामने आता है और उसके पास एक नाइफ भी था। वो वुडो के दोस्तों को मारने लगती है। तभी उनमें से एक लड़का वुडो के पत्थर को मारने की कोशिश करता है, पर तभी हिको भी सामने आ जाता है और उसे पत्थर लग जाता है। फिर शियोरी उस लड़के को भी मारने के बाद वुडो से पूछती है कि वो अब उस लड़की को छोड़ेगा या वो भी उसके फाइट करना चाहता है। जिस पर वो सभी कहने लगते हैं कि उस लड़की के पास फोन निकला है इसलिए वो उसे चेक कर रहे हैं, पर शियोरी कहता है कि वो चेक करने वाली लाइन से काफी आगे बढ़ चुके हैं। तभी वहाँ इंस्ट्रक्टर आ जाते हैं और उन्हें रोक देते हैं। वुडो बताता है कि उन्हें उस लड़की के पास फोन मिला है, जिसके बाद सभी लोग चले जाते हैं। और जब शियोरी हिकीबी के पास जाती है उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो हिकीबी को पहचान रही है, पर शियोरी कुछ कहती नहीं और वहां से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम शियान को देखते हैं जो स्कूल मीटिंग में होता है और वहीं एक आदमी उसे कह रहा होता है कि सिर्फ एक स्टूडेंट की वजह से वो मीटिंग में इतना लेट हो गया। असल में यहाँ हिकीबी की बात हो रही है क्योंकि उसे ढूंढने के चक्कर में शियान मीटिंग में लेट हो गया है। पर फिर वो आदमी वहां से जाने लगता है और शियान से कहता है कि उसे तो पता ही होगा कि अगर स्कूल में कुछ गलत होता है तो इससे क्या कुछ हो सकता है। फिर हम वापस से शियोरी को देखते हैं जो कि हिकीबी को बैंडेज लगा रही थी। हिकीबी को अच्छे से बैंडेज लगाने के बाद शियोरी उस लड़के के पास जाती है और उसे कहती है कि अब बिजनेस की बात शुरू कर सकते हैं। ये सुनकर उस लड़की को कुछ समझ नहीं आता कि शियोरी किस बारे में बात कर रही है, जिस पर शियोरी बताती है कि वो सिर्फ उसे बचाने के लिए तो वुडो से दुश्मनी करेगी नहीं
वो लड़की कहने लगती है कि शिओरी तो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है, तो वो तो उसकी मदद करने आएगी ही। फिर वो लड़की शिओरी से उसका फ़ोन वापस लाने में मदद मांगने लगती है, क्योंकि उन लोगों ने उसे कहीं कहीं रखा होगा और अगर उसे उसका फ़ोन नहीं मिला तो वो अपने बॉयफ्रेंड से बात नहीं कर पाएगी। पर शिओरी उसे पीछे हटाते हुए उसे पूछती है कि उसने इतनी बड़ी निगरानी के बाद भी यहाँ फ़ोन ला दिया और इतने टाइम तक अपने पास भी रखा। उस लड़की को कुछ समझ नहीं आता कि शिओरी कहना क्या चाह रही है। फिर शिओरी उसे पूछती है कि क्या वो एक फ़ोन यहाँ मंगा सकती है। शिओरी बताती है कि उसे भी एक फ़ोन की ज़रूरत है और साथ ही अगर वो उसके लिए फ़ोन ला पाई तो वो उसे सिखाएगी कि नाइफ़ का यूज़ कैसे किया जाता है। जिस पर वो लड़की पूछती है कि अगर वो नाइफ़ यूज़ करना सीख गई तो क्या कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा और क्या फिर उसे ऐसे डर कर नहीं रहना होगा। शिओरी कहती है कि अगर अगली बार किसी ने उसे परेशान किया तो उसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सिर्फ इतना ही नहीं, फिर वो खुद को ही इस नाइफ से मार पाएगी। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि वो अपनी जान खतरे में डालकर उसके लिए फ़ोन लेकर आए और वो उसे खुद को ही मारने सिखाएगी। साथ ही अगर वो नया फ़ोन ले आती है तो फिर उसे पिछले फ़ोन की क्या ज़रूरत होगी। वो लड़की शिओरी के नाइफ को भी फेंक देती है। शिओरी नाइफ उठाते हुए कहती है कि फिर अगली बार वो उससे मदद का इंतज़ार ना करे। ये सब सुनकर हिकी भी शिओरी से पूछता है कि वो ऐसी कब बन गई, क्योंकि मिडिल स्कूल में वो काफ़ी अच्छी हुआ करती थी और सभी लोग भी उसे काफ़ी पसंद किया करते थे। पर शिओरी हिकीबी की तरफ काफ़ी गुस्से में देखती है और उसकी तरफ अपना नाइफ फेंकती है और उसे शांत रहने की कहती है। तभी वहाँ शिन भी आ जाता है और उस लड़की का फ़ोन दिखाते हुए शिओरी से कहता है कि उसे उससे कुछ बात करनी है। अपना फ़ोन देखकर वो लड़की शिन के पास जाने लगती है, पर शिओरी उसके गले पर नाइफ रख कर उसे रोक देती है। फिर शिओरी कहती है कि उसे फ़ोन की ज़रूरत है, जिस पर शिन उन दोनों लड़कियों से कहता है कि अगर उन्हें फ़ोन वापस चाहिए तो उन्हें उसके दोस्त किबी को मैन बनाना होगा, यानी उसके साथ फिजिकल होना होगा। इस उनको शिओरी कहने लगती है कि आखिर में सभी लड़की एक जैसे ही होते हैं और उसे पता ही था कि शिन की शर्त कुछ ऐसी ही होगी। पर तभी वो लड़की हिकीबी के पास चली जाती है और उसे काफ़ी प्यार से बात करने लगती है। वो लड़की हिकीबी से कहती है कि वो अपनी फर्स्ट नाइट अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताना चाहती थी, पर अब अगर वो उसके साथ ऐसा करेगा तो उसका सपना टूट जाएगा। इसीलिए वो लड़की हिकीबी से उसका फ़ोन ऐसे ही उसे दे देने की कहती है। हिकीबी भी उसकी बातों में आ जाता है और उसका फ़ोन वापस करने की कहता है। पर शिन उस लड़की की सच्चाई सभी को बताता है कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने उसे पागल बनाया था, पर फिर भी वो उसके साथ ही है और साथ ही अपने पेरेंट्स के पैसे चुरा कर भी उसे देती है, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स को उसे यहाँ भेजना पड़ा। पर शिन बताता है कि उसे ये नहीं पता कि उसने फ़ोन कैसे लाया, पर वो उसको इतना जान चुका और उसे लगता है कि ज़रूर फ़ोन के लिए उसने किसी इंस्ट्रक्टर के साथ टाइम स्पेंड किया होगा। ये सब सुनकर वो लड़की काफ़ी गुस्से में आ जाती है और शिन पर अटैक करने बढ़ती है। पर शिओरी बीच में आ जाती है और अपने नाइफ से उसके कपड़े फाड़ देती है, जिसकी वजह से वो लड़की वहाँ से भाग जाती है और जाते हुए कहती है कि वो उन तीनों से बदला ज़रूर लेगी। फिर शिओरी शिन की बात मान जाती है और फिर शिन उन्हें उस रूम से अकेला छोड़कर चला जाता है। फिर हिकी भी सोचने लगता है कि ये सब गलत है, किसी लड़की के साथ इस तरह से फिजिकल होना गलत है, क्योंकि उनके बीच कोई भी इमोशन नहीं है। हिकी भी शिओरी को ये कहने के लिए मुड़ता है कि उसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, पर वो देखता है कि शिओरी पहले से ही सब कुछ तैयार कर रही है और वो सभी खिड़की पर्दे भी बंद कर देती है। फिर शिओरी हिकीबी को बॉक्सेस के ऊपर लेटाती है और उसके ऊपर आ जाती है। फिर शिओरी हिकीबी को किस करने बढ़ती है, पर कई बार कोशिश करने के बाद भी वो कर नहीं पा रही थी और शिओरी को उल्टी आ जा रही थी, जिसकी वजह से हिकीबी शिओरी को भी रोकता है और कहता है कि उसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं। वहीं हम देखते हैं कि शिन भी बाहर से ही सब कुछ सुन रहा होता है, जिसके बाद हम देखते हैं शिओरी काफ़ी परेशान हो जाती है और इतना परेशान होने के बाद भी शिओरी हिकीबी से क्लोज आने की कह रही होती है, क्योंकि उसे फ़ोन की काफ़ी ज़रूरत थी। पर हिकी भी खड़ा होता है और शिओरी से कहता है कि उसे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हिकी भी शिओरी को शिन से फ़ोन लेकर जाने की कहता है और बताता है कि वो शिन को संभाल लेगा। फिर शिओरी हिकी भी की बात मानकर जाने लगती है और जाते हुए हिकी भी से कहती है कि वो आज भी पहले की तरह ही काफ़ी साफ दिल का है और साथ ही हिकी भी से कहती है कि अगर स्कूल में कोई भी उसे परेशान करेगा तो वो उसे मार देगी। जिसके बाद शिओरी शिन से फ़ोन लेकर चली जाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वोडो को भी इस बारे में पता चल जाता है कि शिन ने शिओरी को फ़ोन दे दिया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी गुस्से में दिख रहा होता है और अपने दोस्तों के साथ शिन से बदला लेने की भी सोच रहा होता है। वहाँ शिन हिकीबी के पास जाता है और उससे प्रूफ मांगता है कि जिसके लिए हिकीबी उसे एक बॉटल दिखाता है। फिर हिकीबी शिन से कहता है कि उसे इस तरह से लड़की की बॉडी का सौदा नहीं करना चाहिए। पर तभी शिन हिकीबी का गला पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अब वो उसका सिर्फ एक कुत्ता है।
साथ ही आज से हिकी भी शिन को मास्टर बुलाएगा। ये सुनकर हिकी भी गुस्से में आ जाते हैं और शिन से कहने लगता है कि वो उसे मास्टर नहीं बुलाएगा क्योंकि हिकी भी शिन को खुद से बड़ा नहीं दिखाना चाहता था। फिर हिकी भी गुस्से में वहां से चला जाता है और शिन को वापस उससे ना मिलने की कहता है। जाते हुए हिकी भी सोच रहा होता है कि उसने ये कर ही दिखाया। और ऐसे ही एक दिन वो शियोरी के साथ इस बेकार जगह से भी भाग जाएगा। शिन हिकीबी को जाते हुए देख रहा होता है और उससे कुछ नहीं कहता। जिसके बाद हिकीबी अपने दौर में पहुंच जाता है और एक नया स्टूडेंट देखते ही सभी स्टूडेंट्स उसके साथ मजाक उड़ाने लगते हैं और उसके ऊपर काफी बुरे बुरे कमेंट्स भी करते हैं। पर हिकीबी उनका कोई जवाब नहीं देता और बस यही सोचता है कि उसे यहाँ से शियोरी के लिए निकलना होगा। जल्द ही वो इस जगह का पता कर लेगा कि ये जगह असल में है कहाँ पर और इस जगह से भाग जाएगा। फिर हिकीबी अपने रूम के बाहर पहुंच जाता है और सोचने लगता है कि अब पता नहीं उसके रूममेट कैसे होंगे और पता नहीं किस किस तरह से वो उसे परेशान करने वाले हैं। तभी एक आदमी हिकीबी के पीछे आता है और उसे उसके रूम में अंदर ले जाता है। हिकीबी अंदर जाने में डर रहा होता है और उसके रूममेट्स अंदर आते ही उसका काफी अच्छी तरह से स्वागत करते हैं। ये देखकर हिकीबी थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था कि उसका इतने अच्छे से स्वागत होगा। फिर वो आदमी हिकीबी को बताता है कि उसका नाम बिन है और वो ज़्यादातर डॉम के ऑफिस में ही रहता है और अगर उसे किसी भी चीज़ के लिए उसकी ज़रूरत पड़े तो वो उसके पास आ सकता है। फिर हिकीबी वो तीनों लड़की और बिन साथ में एक फोटो खींचते हैं यादों के तौर पर। फिर बिन बताता है कि उसके पास कुछ काम है इसलिए वो इससे ज़्यादा टाइम उसके साथ नहीं रुक पाएगा। फिर बिन वहाँ से चला जाता है और हिकीबी को लगता है कि अब शायद वो तीनों लड़के अपना असली चेहरा दिखाएंगे और कुछ हद तक ऐसा ही होता है। वो तीनों लड़के हिकीबी को उनके लिए खाना लाने के लिए भेज देते हैं और वो हिकीबी से कहते हैं कि उसके लिए पार्टी की प्रिपरेशन करने की वजह से वो सभी काफी थक गए हैं। फिर हिकीबी कैंटीन जाने लगता है। हालांकि हिकीबी को ये सब बुली करना नहीं लग रहा था क्योंकि उसके साथ इससे भी बुरा हो सकता था और उन्होंने तो सिर्फ उससे खाना ही मंगवाया है। फिर हिकीबी कैंटीन में पहुंच जाता है और वहां काम कर रहे आदमी को अपनी प्लेट्स देकर उसे खाना देने की कहता है। पर वो आदमी हिकीबी से काफी गुस्से में बात करता है और उसे बताता है कि यहाँ खाना लेने के लिए उसे पैसे देने होंगे। पर हिकीबी बताता है कि उसके पास तो पैसे हैं ही नहीं, जिस पर वो आदमी वापस से काफी गुस्से में कहता है कि अगर उसके पास पैसे नहीं है तो उसे साइड से फ्री वाला खाना ही लेना होगा। फिर हिकीबी उस लेडी के पास जाता है जो फ्री में खाना देती है और उससे खाना भी लेता है। पर हिकीबी उस लेडी को गलती से आदमी समझ लेता है और उसके सामने ही उससे आदमियों की तरह बातें भी करने लगता है, जिसकी वजह से वो लेडी काफी गुस्से में आ जाती है और हिकीबी को डांट कर भगा देती है। हिकीबी को वो फ्री वाला खाना ज्यादा पसंद नहीं आता और जाते हुए देख रहा होता है कि बाकी के स्टूडेंट्स भी फ्री वाला खाना ही खा रहे होते हैं। इसका मतलब जो खाना पैसे देने के बाद मिल रहा है वो काफी ज्यादा महंगा है, इसलिए एक भी स्टूडेंट अच्छा खाना नहीं खा पा रहा। पर तभी हिकीबी देखता है कि शिन वही काफी अच्छा खाना खा रहा है और शिन हिकीबी को भी उसके पास बुलाने लगता है। पर शिन कहता है कि अगर हिकीबी उसका कुत्ता बनता है और उसको खुद का मास्टर मानेगा तभी वो उसे ही अच्छा खाना खाने देगा। पर हिकीबी शिन को मना करके वहां से भाग जाता है। फिर हिकीबी अपने रूममेट के पास पहुंच जाता है पर वो हिकीबी के लाए खाने से काफी ज्यादा खुश नहीं दिख रहे थे क्योंकि वो उस बेकार खाने को नहीं खा सकते थे। जिस पर हिकीबी बताता है कि उसे तो इतनी भूख लग रही थी कि उसने अपना खाना रास्ते में ही खत्म कर दिया। ये सुनकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं कि हिकीबी इतने बुरे खाने को कैसे खा सकता है, जिसके लिए वो उसे उनका खाना भी खा लेने की कहते हैं। काफी जल्द हिकीबी उनका खाना भी खा ही लेता है और उन्हें बताता है कि वो इतना बुरा भी नहीं था। फिर उन तीनों में से एक हिकीबी से पूछता है कि वो तो शिन का साथी है फिर भी उसके पास पैसे क्यों नहीं है, जिस पर हिकी भी बताता है कि शिन ने उससे उसका साथी बनने के लिए पूछा तो था पर उसने शिन को मना कर दिया। ये सुनकर वो तीनों काफी हैरान हो जाते हैं और बात करने लगते हैं कि उन्हें तो लगा था कि हिकी भी शिन के साथ है, जिस पर उनमें से एक बताता है कि ये खबर तो उन्हें बिन ने दी थी और बिन की खबर कभी गलत नहीं होती। पर फिर वो गेट बंद करते हैं और हिकी भी से कहते हैं कि उन्होंने इसके लिए इतना कुछ इसलिए ही किया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हिकी भी शिन के साथ है। पर अब उन्हें पता चल चुका है कि ऐसा कुछ नहीं है तो वो हिकीबी को मारने आगे जाने लगते हैं। पर उन तीनों में से किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हिकीबी को मारा कैसे जाए क्योंकि उन्होंने भी आज तक किसी को मारा नहीं था। हिकीबी सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथ आगे करता है पर उसी से वो तीनों लड़के जमीन पर गिर जाते हैं। इसे हिकीबी को लगने लगता है कि उसके पास किसी तरह की सुपर पावर आ गई है। तो हिकीबी वैसे ही दीवार पर भी मार कर देखता है पर फिर उससे कुछ नहीं होता और हिकीबी के हाथ पर ही लग जाता है। फिर वो तीनों वापस हिकीबी को मारने के लिए खड़े हो जाते हैं पर हिकीबी वापस वैसे ही अपने हाथ आगे करता है और वो तीनों वापस जमीन पर गिर जाते हैं, जिसके बाद हिकीबी से डर कर वो तीनों लड़के अपने कपड़े उतार कर खड़े हो जाते हैं। हिकीबी कहता है कि वो तीनों ही काफी ज्यादा कमजोर है
और उन्होंने अपने चेहरे पर मेकअप कर रखा है, जिसकी वजह से उन्हें देखने से पता नहीं चल रहा था कि वो तीनों इतने ज्यादा कमजोर है। फिर उन लड़कों से हिकीबी को पता चलता है कि बिन की वजह से उनकी हालत ऐसी हो गई है, और इसीलिए हिकीबी बिन से बात करने के लिए जाने लगता है। हालांकि वो तीनों लड़के हिकीबी को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर उसकी वजह से बिन को गुस्सा आ गया तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। पर फिर भी हिकीबी नहीं रुकता और चला जाता है। फिर हिकीबी बिन के ऑफिस के पास पहुंच जाता है और वो अंदर जाकर देखता है कि बिन तो आराम से अंदर गेम खेल रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम शिओरी को देखते हैं जो कि कॉल करने की कोशिश कर रही होती है, पर उसे सिग्नल नहीं मिल रहे थे। तभी वो लड़की वहां आ जाती है और शिओरी से कहती है कि उसे यहाँ टावर नहीं मिलेंगे तो उसे उसका फोन वापस कर देना चाहिए। साथ ही वो लड़की शिओरी के लिए दूसरा फोन लाने की भी कहती है, पर शिओरी उसकी बात नहीं सुनती और वहां से जाने लगती है। और जाते हुए शिओरी उस लड़की से कहती है कि उसे अपनी क्लास के बारे में सोचना चाहिए। दूसरी तरफ हिकीबी बिन से कह रहा होता है कि उसे उन लड़कों को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए, पर बिन हिकीबी के ऊपर ही चिल्लाने लगता है और कहता है कि अगर वो उनकी इतनी चिंता करेगा तो वो खुद ही मुसीबत में आ जाएगा। फिर बिन हिकीबी को कहता है कि उसकी क्लास का टाइम होने वाला है, इसलिए उसे जल्दी से जाना चाहिए। ये सुनकर हिकीबी को याद आता है कि सही में उसकी क्लास का टाइम हो रहा है, इसलिए हिकीबी वहां से भागते हुए जाने लगता है। फिर टाइम से हिकीबी क्लास तक पहुंच जाता है, पर वो देखता है कि सभी को क्लास में भी काफी परेशान किया जा रहा है और हर छोटी बात पर मारा जा रहा है। जिसके बाद उनकी जिम क्लास शुरू होती है जो कि श्यान करा रहा था। सभी को काफी मुश्किल ट्रेनिंग कराई जा रही थी, जहां सभी बच्चे काफी मुश्किल से ये सब सह पा रहे थे। वहीं हिकीबी पूरी कोशिश कर पा रहा था वो इसमें सबसे आगे रह सके, और साथ ही वो इसमें कामयाब भी हो रहा था। हिकीबी हर चीज पे सभी बच्चों से सबसे अच्छा कर रहा था, पर जो स्टूडेंट्स अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे थे, श्यान उन्हें काफी बुरी तरह से मारने लगता है। हिकीबी ये देख नहीं पाता और बीच में आ जाता है। हिकीबी श्यान को बताता है कि उन्होंने लंच मिस कर दिया था, जिसकी वजह से उनमें कुछ भी करने की पावर नहीं है। पर श्यान हिकीबी की कोई बात नहीं सुनता और उसके बीच में आने के लिए उसे मारने लगता है, लेकिन हिकीबी मार खाते हुए गलती से एक पंच श्यान को भी मार देता है। ये देखकर श्यान और बाकी सभी स्टूडेंट्स काफी हैरान हो जाते हैं और श्यान भी रुक जाता है। तभी पंच की वजह से श्यान की नाक से ब्लड भी बाहर आ जाता है। ये देखकर श्यान काफी गुस्से में आ जाता है और हिकीबी से कहने लगता है कि वो उसे इस वजह से नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो शिन का कुत्ता है। पर हिकीबी मना करते हुए कहता है कि शिन और उसके बीच कोई रिश्ता नहीं है, और बताता है कि ये स्कूल बिल्कुल बेकार है, क्योंकि यहाँ कुछ भी सही ढंग से नहीं चल रहा। यहाँ स्टूडेंट्स को सही खाना तक नहीं खिलाया जा रहा है, और बिना खाने के कोई भी इतनी मुश्किल ट्रेनिंग कैसे कर सकता है। साथ ही हिकीबी कहता है कि अगर वो वापस उसे मारेगा तो वो उन सभी की पुलिस में कंप्लेन कर देगा, जिससे उनका ये स्कूल भी बंद हो जाएगा। पर अब श्यान ने काफी कुछ सुन लिया था और वो काफी बुरी तरह से हिकीबी को मारना शुरू करता है, और हिकीबी से कहता है कि इस स्कूल में वही नियम है और वही पुलिस है। इतने मार खाने के बाद भी हिकीबी उसके सामने हार मानने से मना कर देता है और कहता है कि वो उसके सामने कभी नहीं हार मानेगा। सभी स्टूडेंट्स भी हिकीबी को देखने लगते हैं और हिकीबी कहता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो सब गैर कानूनी है। श्यान के एक इशारे पर सभी स्टूडेंट्स कहने लगते हैं कि सभी को स्कूल के इंस्ट्रक्टर और स्कूल के रूल्स को मानना चाहिए, साथ ही जो कुछ भी यहाँ चल रहा है वो सब बिल्कुल सही है और उनके साथ ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। हिकीबी को समझ नहीं आता कि वो सभी ये क्या कर रहे हैं। श्यान बताता है कि कोई भी उसके पक्ष में नहीं बोल रहा है, और फिर श्यान हिकीबी के रूममेट से पूछता है कि क्या जो यहाँ हो रहा है वो गलत है, जिस पर वो तीनों भी मना करते हैं और कहते हैं कि यहाँ जो कुछ हो रहा है सब ठीक है। ये सब देखकर हिकीबी को समझ नहीं आ रहा था कि वो सभी ऐसा क्यों कह रहे हैं और क्यों कोई भी इसके सपोर्ट के लिए नहीं आ रहा। तभी वहाँ शिओरी आ जाती है और उसे देखकर हिकीबी को लगने लगता है कि वो उसकी मदद के लिए आई है। तभी शिओरी हिकीबी को काफी बुरी तरह से मारने लगती है, और काफी मारने के बाद शिओरी श्यान से कहती है कि वो इस नए स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट काउंसिल की तरफ से माफी मांगती है। शिओरी भी श्यान के सामने माफी मांगते हुए झुक जाती है और हिकीबी शिओरी से पूछने लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर शिओरी बताती है कि ऐसे वो कभी भी किसी भी इंस्ट्रक्टर को नहीं हरा सकता, क्योंकि इससे पहले भी उससे काफी ज्यादा स्ट्रांग लोग आए थे पर इन इंस्ट्रक्टर के सामने कोई टिक नहीं पाया। पर फिर भी हिकीबी वापस खड़ा हो जाता है और कहता है कि वो इन लोगों से कभी डर कर नहीं रहेगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे इसके लिए उसे मरना ही क्यों ना पड़े। पर शिओरी हिकीबी को रोकने लगती है और बताती है कि उसे पता तक नहीं इससे पहले यहाँ कितने लोग मर चुके हैं, पर हिकीबी उसकी एक नहीं सुनता और श्यान से उसे मारने की कहने लगता है। शिओरी हिकीबी को रोकने के लिए आगे आती है, पर हिकीबी उसे थोड़ा सा धक्का देता है, जिसकी वजह से शिओरी का फोन उसकी जेब से गिर जाता है और फोन को सभी देख लेते हैं। शिओरी फोन वापस उठाने जाती है, पर तभी दो लड़कियां आकर उसे पकड़ लेती हैं। तभी एक इंस्ट्रक्टर हिकीबी को भी जमीन पर गिरा देता है।
शियान आगे आता है और फोन उठा लेता है। तभी वुडो भी आगे आता है और कहने लगता है कि उससे तो लगा ही था कि स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट कुछ तो गलत कर रही है। तभी शियान सभी से बताता है कि ये कैसा रूल है जिसमें अगर उनके साथ का कोई स्टूडेंट कुछ गलत करे तो उन सभी को भी उसकी गलती की सजा मिलेगी। काफी निराशा के साथ सभी स्टूडेंट्स कहने लगते हैं कि उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए और उन्हें जो भी पनिशमेंट दी जाएगी वो उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर सभी इंस्ट्रक्टर सभी स्टूडेंट्स को ग्राउंड पर लिटा देते हैं और काफी बुरी तरह से उन्हें मारने लगते हैं। फिर शियान शिओरी की क्लास की लड़कियों को बुलाता है और उनसे शिओरी को पिटवाता है। हालांकि शिओरी की क्लासमेट का ऐसा कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, पर शियान के कहने की वजह से उन्हें शिओरी को मारना ही पड़ता है। हिकी भी खुद की वजह से बाकी स्टूडेंट्स को पिटता देख नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो माफी मांग लेता है और कहने लगता है कि शियान सही था और वो गलत था। अब ये सुनकर शियान भी खुश हो जाता है और बाकियों को रोक देता है। सभी स्टूडेंट्स हिकीबी को बुरा भला कहने लगते हैं क्योंकि इसकी वजह से उन्हें काफी मार खानी पड़ी थी। फिर शियान सभी को उनके रूम में जाने की कह देता है। वहीं आखिर में वो लड़की भी शिओरी को चाटा मारती है और काफी खुश भी होती है। शिओरी की ऐसी हालत देख कर तभी वुडो भी हंसते हुए वहां आता है और शिओरी से कहता है कि अब तो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट भी नहीं बनी रह सकती। फिर वो दोनों भी वहां से चले जाते हैं और आखिर में सिर्फ शिओरी और हिकी भी रह जाते हैं। और हिकी भी रोते हुए शिओरी से कह रहा होता है कि उसकी वजह से उसे भी इतना सब कुछ सहना पड़ा। शिओरी जाते हुए हिकी भी से उसे कभी भी बात न करने की कहता है। हिकी भी काफी बुरी तरह से रोने लगता है और तभी उसके पास शिन आ जाता है। हिकी भी उसे देख कर उसे कहता है कि वो तो सब ठीक कर सकता है और हिकी भी इसके बदले उसका कुत्ता बनने के लिए भी मान जाता है। पर शिन उसे कहता है कि वो ऐसे किसी को भी अपने साथ नहीं रखता और जब हिकी भी के पास चांस था तब उसने उस चांस को जाने दिया। लेकिन शिन हिकी भी से कहता है कि अगर वो उसकी 3 कंडीशन पूरी कर दे तो वो उसे अपने साथ रख लेगा। शिन बताता है कि पहली कंडीशन हिकी भी को अपनी क्लास का लीडर बनना होगा, दूसरी कंडीशन हिकी भी को वुडो को उसकी पोजीशन से हटाना होगा यानी वुडो के इंस्ट्रक्टर डिसाइपल वाली पोजीशन से। फिर शिन तीसरी कंडीशन बताता है पर वो हम सुन नहीं पाते। फिर शिन कहता है कि अगर वो इन 3 कंडीशन को पूरा कर पाएगा तो वो उसे वापस से अपने साथ रखेगा और शिन की मदद से हिकी भी इस स्कूल पर राज कर पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि हिकी भी अपने रूम में पहुंच जाता है और इसे देखकर कोई भी खुश नहीं दिख रहा था। तभी हिकी भी सभी से कहता है कि आज से वो उनका लीडर बन रहा है। ये सुनकर सभी उसके ऊपर हंसने लगते हैं और हिकी भी से कहते हैं कि वो उनका लीडर कभी नहीं बन सकता। पर तभी हिकी भी अपने बैग से काफी सारे चॉकलेट और बाकी खाने की चीजें निकालता है और उनसे कहता है कि अगर वो उसे उनका लीडर बनने देंगे तो वो ऐसी चीजें हमेशा खा सकते हैं। ये देखकर सभी तुरंत हिकी भी को लीडर बनाने के लिए मान जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये सारा प्लान असल में शिन का ही था। अब लीडर बनने के बाद शिन के प्लान के हिसाब से हिकी भी वुडो के पास जाता है और उसके रूम में घुसते ही उसे एक मुक्का मार देता है और उससे कहता है कि आज से उनका लीडर वो है तो वो उससे फाइट करने की सोचे भी ना। पर तभी वुडो अपने साथियों के साथ हिकी भी का पीछा करने लगता है और हिकी भी उनसे दूर भाग रहा था। फिर हिकी भी अपने जैकेट में पत्थर भर लेता है और एक एक करके वुडो के साथियों को मारने भी लगता है। ये देखकर वुडो भी हैरान हो जाता है कि हिकी भी इतनी तेज भागते हुए भी उसके साथियों को मार रहा है। तभी हिकी भी और आगे जाने लगता है और साथ ही हिकी भी टाइम भी देखता ही जा रहा था। जिसके बाद हिकी भी भागते हुए ऑफिस में पहुंच जाता है और वहां बिन भी था जो टाइम देख रहा था और उनके अंदर आते ही बिन गेट बंद करने लगता है। ये देखकर वुडो बिन से पूछता है कि वो गेट क्यों बंद कर रहा है, जिस पर बिन बताता है कि 9 बजते ही सभी गेट्स बंद कर दिए जाते हैं और यही रूल है, जो भी बाहर है वो बाहर ही रहेंगे और जो अंदर है वो अंदर ही रहेंगे। इससे वुडो समझ जाता है कि हिकी भी का प्लान शुरुआत से यही था कि वो 9 बजे किसी तरह वुडो को यहाँ ला सके जिसे उसके साथ ही बाहर ही रह जाए। फिर बिन वहां से चला जाता है, पर वुडो कहता है कि वो अकेले ही हिकी भी जैसे को आसानी से मार सकता है और हिकी भी की तरफ आने लगता है। पर हिकी भी हंसने लगता है और वुडो से कहता है कि वुडो तो यहाँ अकेला है पर हिकी भी नहीं है। तभी हिकी भी के क्लासमेट भी बाहर आ जाते हैं। ये देखकर वुडो काफी डर जाता है और हिकी भी के सभी क्लासमेट वुडो को मारने लगते हैं। ये देखकर हिकी भी मुस्कुराता है और सोचने लगता है कि वो इंसान जो कभी कमजोर स्टूडेंट्स को बुली करता है वो आज जमीन पर पड़ा है। साथ ही हिकी भी डिसाइड करता है कि वो हर उस इंसान से बदला लेगा जिसने उसे बुली किया होगा। हिकी भी के चेहरे पर काफी ईविल स्माइल दिख रही थी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक इंस्ट्रक्टर शियान के पास आता है और उसे पूछता है कि क्या आज उसे इंस्पेक्शन के दौरान कोई फोन मिला था, जिस पर शियान हाँ करता है और पूछता है कि फिर क्या हुआ। वो इंस्ट्रक्टर उस फोन को मांगता है और कहता है कि ये उसके भी ड्यूटी है कि वो इन चीजों का ख्याल रखे। अगले दिन हिकी भी शियान के पास काफी सारे फोन लाता है और साथ ही काफी बुरी तरह से पिटे हुए
वो जो कोबी ये देख कर शियान हिकीबी से पूछता है कि ये सब क्या है, जिस पर हिकीबी बताता है कि पिछले दिन की सीख के बाद वो वुडो के पास कुछ रूल्स पूछने गया था जिससे वो भी एक अच्छा स्टूडेंट बन सके। पर वुडो के रूम में वो देखता है कि सभी स्टूडेंट्स फोन यूज कर रहे हैं। ये देखकर हिकीबी ने वुडो को कहा था कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तो डिसाइपल ऑफिसर है, साथ ही ये सभी फोन शियान को दे देने चाहिए। फिर हिकीबी कहता है कि उसने उन्हें ज्वाइन करने से साफ मना कर दिया, जिसकी वजह से गुस्से में आकर वुडो ने अपनी पूरी क्लास को हिकीबी को मारने के लिए भेज दिया। पर शियान की दी अच्छी ट्रेनिंग की मदद से उसने और उसकी क्लास ने मिलकर वुडो के सभी साथियों को हरा दिया और ये सारे फोन उसके पास ले आए। हम देखते हैं हिकीबी ने वुडो के मुंह में कपड़ा डाल रखा था जिससे वो कुछ बोल न सके। ये सारी बातें जानकर शियान आगे बढ़ता है और वुडो को काफी बुरी तरह से पीटने लगता है। फिर शियान वुडो को दूर ले जाने की कहता है। फिर शियान हिकीबी के पास जाता है और उसकी तारीफ करता है, जिसके बाद शियान हेडमास्टर जिन के पास जाता है जो कि किसी नए स्टूडेंट का एडमिशन कर रही होती है। फिर उस लड़की का एडमिशन करने के बाद जिन शियान से कहती है कि वो स्टूडेंट तो शियान की जिम्मेदारी था, असल में यहाँ वुडो की बात हो रही है, जिसके लिए शियान माफी मांगता है। पर जिन कहती है कि उसे तो इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। फिर जिन अपना हंटर निकाल लेती है और उसे शियान को मारने लगती है, जिससे शियान को काफी दर्द भी हो रहा था पर फिर भी वो चिल्ला नहीं रहा था। तभी हम देखते हैं कि एक दूसरा इंस्ट्रक्टर भी शियान को ऐसे पीटते हुए गेट से देख लेता है, जिसके बाद हम वुडो को देखते हैं जिसे जेल में बंद कर रखा होता है। और तभी उसके पास एक दूसरा इंस्ट्रक्टर रियो जाता है। वुडो रियो से कहने लगता है कि ये सब उनकी गलती नहीं थी, हिकीबी ने उसे फंसाया है। फिर वुडो कहने लगता है कि ये फोन वाला बिजनेस तो उसे भी फायदा देता था, फिर वो अब उसे क्यों नहीं बचा रहा। पर रियो वुडो से पूछता है कि उस लड़की जून का फोन कहाँ है, जिस पर वुडो बताता है कि उसका फोन तो शिन ने ले लिया था और फिर शियोरी के पास पहुंच गया था, आखिर में शियोरी से शियान ने लिया था, यानी आखिर में उसका फोन शियान के पास है। पर फिर रियो पूछता है कि उसने जून का फोन ही क्यों पकड़ा। वुडो कहता है कि उसे लगा था कि वो खुद से स्कूल में फोन लेकर आई है, इसलिए एक डिसाइपल ऑफिसर होने के नाते उसने उसका फोन पकड़ लिया। पर इस चीज से रियो काफी गुस्से में आ जाता है और वुडो को मारता भी है, और वुडो को बताता है कि अब उसे शियान ही देखेगा और उसे उसकी सजा देगा। तभी कई इंस्ट्रक्टर वुडो के पास जाते हैं और उसे मारने लगते हैं, जिसके बाद रियो जाते हुए सोच रहा होता है कि जब उसने शियान से जून का फोन मांगा था तब शियान ने उसे कोई दूसरा फोन दे दिया था, और ये बात उसे तब पता चली जब रियो ने जून को उसका फोन वापस किया। रियो जल्दी शियान से इसका बदला लेने की तय करता है क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि शियान असल में उतना भी स्ट्रांग नहीं है, उसके पीछे सारा दिमाग हेडमास्टर जिन का है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिकीबी शिन को बता रहा होता है कि किस तरह वो वुडो के साथियों से बचा और कैसे उसने वुडो के फोन पकड़े। पर शिन हिकीबी को चुप होने की कहता है क्योंकि अभी ये सब सिर्फ शुरू हुआ है। फिर शिन हिकीबी को अपने रूम में ले जाता है और बताता है कि ये उसका हेडक्वार्टर भी है। हिकीबी शिन का रूम देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि शिन के रूम में सब कुछ था, एक कंप्यूटर से लेके अच्छा सोफा तक सब कुछ। फिर हिकीबी शिन से पूछता है कि असल में वो है कौन, जिस पर शिन कहता है कि वो उसका मास्टर है और उस बात को वहीं पर खत्म कर देता है। फिर शिन हिकीबी की जीत की खुशी में उसे उस स्कूल के कुछ रूल्स बताता है। फिर शिन हिकीबी को याद करने की कहता है कि पिछले दिन क्या हुआ था, जिस पर हिकीबी याद करता है और बताता है कि कल उनके बीच कोई भी इंस्ट्रक्टर नहीं आया, यहाँ तक उन्हें एक भी दिखा तक नहीं, सिर्फ बिन ही वहाँ था जिसे शिन ने ही वहाँ भेजा था। पर हिकीबी पूछने लगता है कि ऐसा क्यों हुआ था कि कोई भी इंस्ट्रक्टर उनके बीच क्यों नहीं आया। पर शिन हिकीबी को कुछ नहीं बताता और कहता है कि आज के लिए उसने काफी कुछ जान लिया। फिर शिन कहता है कि अब उन्हें ये सब बातें छोड़कर अपने अगले प्लान पर ध्यान देना चाहिए जो कि है क्लास 6 को खत्म करना। शिन से हिकीबी को पता चलता है कि इस स्कूल में वुडो के अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जिनके पास फोन है, और हिकीबी का काम है कि वो उन्हें पकड़कर शियान का भरोसा जीते जिससे बाकी स्टूडेंट्स के भी बीच उसका दबदबा बने। और अगर हिकीबी ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो एक दिन जरूर शियोरी के लिए भी फोन ला पाएगा जिससे वो भी वापस खुश हो जाएगी। पर शिन हिकीबी से कहता है कि अगर वो उसके लिए फोन का इंतजाम कर भी देता है फिर भी वो उसके साथ एक बेकार इंसान की तरह ही व्यवहार करेगी। साथ ही हिकीबी को कभी नहीं भूलना चाहिए कि कल तक वो सिर्फ एक बेकार इंसान था और उसकी कितनी बेइज्जती हुई थी। ऐसा वापस ना हो इसलिए हिकीबी को सभी को दिखाना होगा कि वो बाकी सभी से कितना पावरफुल बन सकता है। साथ ही शिन कहता है कि वो उसकी स्ट्रांग बनने में हर मुमकिन मदद करेगा, जिसके बाद शिन हिकीबी को बताता है कि क्लास 6 के लीडर का नाम यू है और उसके साथ डील करना आसान नहीं होगा, वो भी वुडो के साथ ऐसा कुछ करने के बाद। फिर हिकीबी अपने रूममेट्स के पास पहुंच जाता है क्योंकि शिन के प्लान के हिसाब से उसे उनके साथ ही यू से फाइट करनी थी। पर हिकीबी के सभी रूममेट्स फाइट करने से मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें फाइट करने से काफी डर लगता है, और वो कहते हैं कि वो सभी वुडो को सिर्फ इसलिए मार पाए क्योंकि उन्होंने उसे उसके साथियों से अलग कर दिया था, वरना वो उसे भी नहीं जीत सकते थे।
इकीबी उन्हें काफी समझाने की कोशिश करता है पर उनमें से कोई मान ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से इकीबी वहां से काफी गुस्से में चला जाता है और जाते हुए कहता है कि वो अब से उन कमजोरों का लीडर नहीं है। दूसरी तरफ शिन के रूम में रियो आ जाता है और शिन उससे पूछता है कि इंस्ट्रक्टर रियो को ऐसा क्या काम पड़ गया जो उन्हें खुद उससे मिलने आना पड़ा। वहीं शिओरी के साथ एक लड़की फाइट कर रही होती है और शिओरी लगभग उस लड़की को हरा भी देता है। फिर उस लड़की के साथ वाली छोटी लड़की शिओरी को बताती है कि उसका नाम अकाने है और वो उसकी छोटी बहन होकू है। फिर अकाने बताती है कि वो दोनों एक तीन लड़कियों की क्लास बनाना चाहती हैं, पर शिओरी उन्हें मना करके जाने लगती है और कहती है कि उसके पास उनके बेकार के गेम्स के लिए टाइम नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रियो ने शिन का गला दबा रखा था और वो इससे पूछ रहा था कि जून का फोन कहाँ है। शिन कहता है कि अगर वो मर गया तो रियो काफी मुश्किल में पड़ जाएगा, जिस पर रियो कहता है कि शिन मरने तो वाला ही है, वो तो सिर्फ उस काम को जल्दी कर रहा है। तभी एक लड़का उनके पीछे आ जाता है और रियो को फेंक देता है, जिससे वो दीवार से टकराता है। ये देखकर रियो पूछता है कि ये कौन है जिसने उसके ऊपर अटैक किया। शिन बताता है कि ये उसका बॉडीगार्ड है और इसके लिए उसके पास हेडमास्टर से परमिशन भी है। फिर शिन कहता है कि वो किसी तरह की दिक्कत नहीं चाहता और आराम से अपना टाइम बिताना चाहता है और उसके पास जून का फोन नहीं है। हम इकीबी को देखते हैं जो कि किसी काफी खाली जगह पर बैठा था, लेकिन तभी वहां काफी सारे लोग आ जाते हैं और वो उसे मारने आए थे क्योंकि वो इकीबी की पोजीशन चाहते थे और साथ ही उनके मन में भी उसके लिए कोई प्लान था। इकीबी डरता नहीं और उन्हें जाने की कहता है क्योंकि अगर उन्होंने कुछ करना चाहा तो ये आगे चलकर उनके लिए ही काफी खतरनाक होगा। फिर इकीबी उन्हें टाइम दिखाता है और वो टाइम याद करने की कहता है। तभी इकीबी अपने आप को ही काफी बुरी तरह से मारने लगता है। ये देखकर वह सभी लोग इकीबी पर हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इकीबी पागल हो गया है और वो इसलिए ही खुद को ही मार रहा है। तभी हम शिओरी को देखते हैं जो उन दोनों लड़कियों को मना करके जा रही होती है, पर तभी अकाने अपनी जैकेट खोलती है और कई सारे फोन दिखाती है। साथ ही वह शिओरी को बताती है कि वो इनका यूज करके अपने छोटे भाई से बात कर सकती है और साथ ही वह जितना चाहे उतना इंटरनेट भी यूज कर सकती है। वहीं इकीबी अपने आप को काफी मार चुका होता है और फिर अपने ऊपर सॉस गिरा लेता है। ये देखकर किसी को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी इकीबी जमीन पर गिरकर कहने लगता है कि वो ऐसे फोन यूज नहीं करेगा, वो हेड इंस्ट्रक्टर को धोखा नहीं दे सकता। ये सुनकर उन लोगों का लीडर वहां से भागने लगता है और तभी उसके पीछे शियान आ जाता है और वो उसके बिना कोई बात से उसका सर दीवार में मार देता है और बाकी इंस्ट्रक्टर उसे वहां से ले जाते हैं। फिर शियान भी वहां से चला जाता है। ये देखकर बाकी बचे लड़के भी इकीबी से कहने लगते हैं कि ये उसने बहुत गलत किया, उसने उन्हें फंसाया है। पर इकीबी उनसे कहता है कि उसकी लड़ाई सिर्फ उनके लीडर से थी, ना कि उनसे, इसलिए अगर वो उसकी साइड आ जाते हैं तो वो उन्हें जो चाहिए वो देगा, साथ ही वो उन्हें रात में अच्छा खाना भी देगा। ये सुनकर वो सभी लड़के इकीबी का साथ देने के लिए मान जाते हैं। फिर इकीबी उनसे पूछता है कि क्लास सिक्स के लोग अपना बिजनेस कहाँ करते हैं, जिस पर वो लड़के बताते हैं कि अपने डॉर्म्स के पीछे और क्लास थ्रू की बिल्डिंग में। पर वो लोग इकीबी को उनके काम के बीच में ना आने की कहते हैं क्योंकि क्लास सिक्स को नाराज करना उसके लिए सही नहीं रहेगा। साथ ही वो बताते हैं कि उनका लीडर भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है और वो सभी मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए अगर उससे गुस्सा आ गया तो उनमें से कोई नहीं बचेगा। तभी शिओरी अपनी दोनों साथियों के साथ वहां जाती है। उसे देख इकीबी शांत हो जाता है और कुछ कह भी नहीं पाता, पर तभी अकाने इकीबी की तरफ भागने लगती है क्योंकि वो उसे पहली ही नजर में पसंद आ गया था। तो वो इकीबी से चिपकने लगता है लेकिन इकीबी उसे दूर करने की कोशिश करता है। फिर होकू अकाने को रोकती है और उनसे कहती है कि वो अपने सारे फोन उन्हें दे दे, पर ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं और उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। पर तभी होकू आगे आती है और उनमें से एक को लात मार कर गिरा देती है। ये देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। कुछ ही देर में होकू अकेले ही सभी लड़कों को हरा देती है। पर तभी वहाँ शिन भी आ जाता है और उनसे कहने लगता है कि वो ऐसे उसके कुत्ते को परेशान नहीं कर सकते। फिर शिन और होकू के बीच बहस हो जाती है और होकू उनके ऊपर अटैक करने लगती है। ये देखकर शिन और इकीबी भी भागने लगते हैं और बाकी तीनों लड़कियां भी उनका पीछा करती है। फिर शिन और इकीबी भी भागते हुए डोमर्स में पहुंच जाते हैं, पर फिर भी वो उनका पीछा नहीं छोड़ती और वो तीनों लड़कियां भी अंदर चली जाती है। तभी बाथरूम में जाते ही उनके ऊपर काफी तेज पाइप से पानी मारा जाता है और वो लड़कियां देखती हैं कि वहां शिन के साथ और भी कई लड़के हैं। होकू उन पर अटैक करने आगे आती है, पर यू भी वहीं था और आसानी से होकू को हरा देता है और पाइप से उसका गला पकड़ लेता है। ये देखकर शिओरी उसकी मदद करने आती है, पर यू उसे भी एक ही किक में जमीन पर गिरा देता है। यू शिओरी को एक और किक मारने जा रहा होता है, पर हिकी भी बीच में आ जाता है और यू की लात अपने ऊपर ले लेता है। ये देखकर शिन हिकी भी से कहता है कि एक बार फिर वो उसके बीच में आ गया। फिर शिन उसे एक टेस्ट देने की कहता है जिससे उसे वापस उसके पर भरोसा होगा। शिन इकीबी को उन दोनों लड़कियों के कपड़े उतार कर फोटो खींचने की कहता है और फिर वो उन फोटोज को वायरल कर देगा। ये सुनकर इकीबी काफी गुस्से में वो फोन फेंक देता है और कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता।
तभी यू आगे आता है और हिकीबी को काफी जोर से मुक्का मारता है। फिर शिन हिकीबी को बताता है कि उसे पता है कि उस दिन उसने शिओरी के साथ कुछ नहीं किया था। ये सुनकर शिओरी और हिकीबी दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि शिन को इस बारे में पता कैसे। फिर शिन वापस हिकीबी को फोन देते हुए कहता है कि ये उसका लास्ट चांस है, अगर हिकीबी ने उसकी बात नहीं मानी तो अब शिन खुद ही हिकीबी का दुश्मन बन जाएगा। हिकीबी भी ये सुनकर काफी डर जाता है और फोन उठाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम मोकू है। मोकू खाना लेकर जा रहा होता है पर तभी खाना देने वाला आदमी सभी को बताता है कि मोकू वही लड़का है जिसने भागने की कोशिश की थी पर पकड़ा गया और आज वो वापस उनके साथ है। ये सुनकर सभी लोग मोकू के ऊपर हंसने लगते हैं और वो मोकू वहाँ से जाने लगता है, पर वो जाते ही कुछ लोगों से टकरा भी जाता है। फिर वो लड़के मोकू को साइड में ले जाकर काफी मारते हैं और उसे उनका नौकर बनने के लिए भी कहते हैं। साथ ही मोकू के खाने पर पैर रख देते हैं और उसे जबरदस्ती वही जमीन पर गिरा गंदा खाना भी खाने की कहते हैं, जिसके बाद मोकू अपने लिए दूसरा खाना लेकर अकेले ही ग्राउंड में चला आता है। पर तभी वहाँ शियान आता है और वो मोकू को कैंटीन में जाकर खाना खाने की कहता है। तभी मोकू शियान को बताता है कि कैसे सभी लोग उसे परेशान कर रहे हैं और मोकू इसमें शियान की मदद मांगता है, पर शियान मोकू को कुछ बताने या समझाने के बजाय उसे मारने लगता है और उसे कहता है कि उसे वो लोग सबसे ज्यादा बुरे लगते हैं जो भागने की कोशिश करते हैं। शियान बताता है कि उसे लगा था कि मोकू उनके रूल्स काफी अच्छी तरह से मान रहा है और ये देखकर शियान खुश था। पर कुछ ही टाइम बाद मोकू ने भागने की कोशिश की। मोकू को काफी मारने के बाद शियान जाने लगता है, पर तभी मोकू कहता है कि वो भागना नहीं चाहता था लेकिन ये सब ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन वो जरूर मर जाएगा। मोकू की बातें सुनकर शियान को भी अपने पास्ट की कुछ याद आता है, जहां वो एक पुलिस ऑफिसर था और उसे किसी खतरनाक मिशन पर भेजा गया था जिसकी वजह से शियान भी काफी डरा हुआ लग रहा था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम वापस से हिकीबी को देखते हैं जिसके हाथ में फोन होता है और हिकीबी सिर्फ एक फोटो लेने के लिए मान जाता है। पर उससे पहले हिकीबी शिन से कहता है कि वो शिओरी की फोटो तो ले लेगा लेकिन इसके लिए शिन को वादा करना होगा कि वो वापस कभी शिओरी और बाकी किसी लड़की के रास्ते में नहीं आएगा। पर शिन हिकीबी से कहता है कि इस टाइम वो ऐसी हालत में नहीं है कि डिमांड कर सके। योकू एक मुक्का मारता है जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाती है। हिकीबी शिओरी के पास जाता है और उसके जैकेट खोलने लगता है, पर हिकीबी कहता है कि अगर बैन शिओरी को ऐसे पकड़े रहेगा तो वो उससे कपड़े नहीं उतार पाएगा। तो शिन बैन से शिओरी को छोड़ने की कह देता है। हिकीबी शिओरी की जैकेट उतारते हुए उसे इशारा करता है जो शिओरी भी समझ जाती है। तभी हिकीबी शिओरी की जैकेट बैन के मुंह पर मारता है और उसे पकड़ता है। हिकीबी सभी से भागने की कहने लगता है और तभी अकाने और होकू वहाँ से भाग जाती है। पर शिओरी भागती इससे पहले यू उसे पकड़ लेता है और हिकीबी को लात मारकर गिरा देता है। अब शिन हिकीबी की तरफ जाता है और हिकीबी से कहता है कि उसे एक मौका दिया गया था लेकिन हिकीबी ने उसे भी गंवा दिया। अब हिकीबी को बहुत कुछ सहना होगा। शिन हिकीबी से कहने लगता है कि वो उसके लिए कभी लॉयल नहीं बन पाया, जिस पर हिकीबी कहता है कि वो हमेशा से उसे शिओरी की नजरों में गिराना चाहता था और साथ ही शिन उससे ऐसे काम करा रहा था जो बिल्कुल गलत थे। उनकी बातें चल ही रही थी तभी वहाँ बिन आ जाता है और वो अकाने और होकू को वापस ले आया था। तभी उनसे पूछने लगता है कि वे सभी यहाँ बाथरूम में क्या कर रहे हैं। तभी इंस्ट्रक्टर रियो को वहीं आ जाता है और पूछने लगता है कि क्या यहाँ हिकीबी भी है। तभी हिकीबी खड़ा होता है और कहता है कि उसे शिन के खिलाफ एक कंप्लेंट करनी है क्योंकि शिन उन्हें यहाँ आपस में फाइट करा रहा है और अपने साथियों के साथ मिलकर उसे पीट भी रहा है। पर तभी रियो हिकीबी को चुप होने की कहता है और बताता है कि हिकीबी के खिलाफ कंप्लेंट है कि वो स्कूल में काफी परेशानी खड़ी कर रहा है और साथ ही हिकीबी के पास फोन भी है। तभी रियो हिकीबी को जमीन पर गिरा देता है और उसकी जेब से फोन निकालता है। शिन हिकीबी के पास आता है और उसे बताता है कि क्लास 6 का इंचार्ज रियो ही है। यह सुनकर हिकीबी हैरान हो जाता है। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां शिन रियो को बताता है कि जून का फोन हिकीबी के पास है और कुछ दिन पहले वोटो के कुछ फोन शियान को देकर उसने शियान का थोड़ा ट्रस्ट भी जीत लिया और अब हिकीबी अपने आप को हीरो मानने लगा था। साथ ही हिकीबी अब भी सभी फोन पकड़कर शियान को देना चाहता है और शियान के पास इस बार फोन आएंगे तो वो उन्हें पक्का डिस्ट्रॉय ही कर देगा। पर रियो ये सब बातें छोड़कर शिन से पूछता है कि हिकीबी कहाँ है। शिन उसे बताता है कि उसके पास हिकीबी के लिए एक प्लान है पर उसके लिए रियो को शिन की साइड आना होगा। वापस प्रेजेंट में रियो हिकीबी से कह रहा होता है कि उसने लड़कियों का यूज करके सभी लड़कों को फंसाने की कोशिश की है जिससे हिकीबी हर वो चीज उनसे करा सके जो वो उनसे कराना चाहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हिकीबी को उन बच्चों से स्कूल रूल्स तोड़वाने के लिए फोर्स करने के लिए 2 हफ्ते तक सॉलिटरी रूम में भेजने की सजा दी जाती है और शिओरी अकाने और होकू को हिकीबी का साथ देने के लिए 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा रनिंग और 1 महीने तक बाथरूम क्लीनिंग ड्यूटी दी जाती है। फिर यो हिकीबी को सॉलिटरी रूम में फेंक जाता है और उससे कहता है कि वो 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पागल हो जाएगा क्योंकि ये जगह किसी बुरे जेल से कम नहीं है। हिकीबी याद करने लगता है जब उन्हें ले जाया जा रहा था तब शिओरी ने उससे थैंक्स कहा था, पर फिर शिओरी ने हिकीबी से कहा था कि तुम वापस मेरे सामने या मेरे रास्ते में आने की जरूरत नहीं है।
वहाँ एक ही भी काफी गुस्से में जमीन पर हाथ मारता है और तय करता है कि आज के बाद वो दुनिया में कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं करेगा और आज से वो एक नया जन्म लेगा, चाहे ही की भी कितने भी अंधेरे में चला जाए, चाहे उसे अपना आत्मा ही बेचनी पड़े। लेकिन आज से ही कीवी का सिर्फ एक ही गोल होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम शिन को देखते हैं जिसके मुंह से खांसने की वजह से ब्लड आने लगता है, और तभी रियो भी काफी गुस्से में वहां आ जाता है। फिर हम 7 साल पहले का सीन देखते हैं जहां शियान और उसका सबसे अच्छा दोस्त किया और बाकी टीम के साथ एक मिशन के लिए गया होता है, लेकिन वो मिशन उनके ऊपर ही भारी पड़ जाता है और उनकी पूरी टीम मर जाती है और सिर्फ किया और शियान ही लास्ट में बचे होते हैं। पर अभी उनके ऊपर लगातार गोलियां चल रही होती है जिसकी वजह से शियान काफी ज्यादा डरा हुआ था, पर वही इतनी बुरी हालत में होने के बाद भी किया शांत दिख रहा था। फिर किया शियान को मदद लाने की कहता है और खुद उन लोगों को रोकने की कोशिश करने निकल जाता है, पर शियान इतना डरा हुआ था कि वो वहीं छुप जाता है और मदद लाने जाता ही नहीं। फिर शाम को जाकर शियान बाहर आता है और जाकर देखता है कि उसका दोस्त किया मर चुका है। जब किया की फैमिली को पता चलता है कि मिशन पर सभी लोग मर गए हैं पर सिर्फ शियान ही जिंदा वापस आया है, वह सभी भी शियान को ही बुरा बोलने लगते हैं। किया के फ्यूनरल में सभी लोग होते हैं पर सिर्फ किया का बेटा ही नहीं था, तो शियान एक गेम सेंटर में किया के बेटे को लेने पहुंच जाता है, पर किया का बेटा गेम खेलने में लगा हुआ था और उसे दुनियादारी का कुछ पता ही नहीं था। जब शियान किया के बेटे से कहता है कि उसके फादर एक हीरो थे, उन्होंने मिशन में अपनी जान दे दी लेकिन उन लोगों को आगे नहीं आने दिया, ये सुनकर किया का बेटा कहने लगता है कि उसे उसका क्या फायदा हुआ, वो तो आखिर में मर ही गए और न ही उसके लिए इतने पैसे कमा कर गए कि वो अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सके। ये सब बातें सुनकर शियान काफी हैरान हो जाता है और तभी किया का बेटा जमीन पर गिर जाता है। शियान वहाँ गेम खेल रहे सभी बच्चों को एम्बुलेंस को कॉल करने की कहने लगता है, पर सभी गेम्स में इतने बिजी थे कि उनमें से कोई भी शियान की बात ही नहीं सुनता, जिसके बाद हम देखते हैं कि किया के साथ साथ उसके बेटे की भी मौत हो जाती है, जिसके बाद शियान अपनी जॉब छोड़ देता है और किया की बेटी के पास जाता है जो की थी जिसके लिए शियान अभी काम कर रहा है। शियान जिन से एक होटल में मिला था और वहाँ जिन किसी आदमी के ऊपर चढ़ी हुई थी, ये देखकर शियान हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि अगर जिन को ऐसे उसके फादर ने देख लिया होता तो उन्हें आज बहुत दुख पहुँचता। पर जिन शियान से कहती है कि लेकिन अब वो मर चुके हैं तो उनके कुछ भी सोचने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और साथ ही जिन उससे कहती है कि ये तय करने का उसे पूरा हक है कि उसे उसकी जिंदगी कैसे जीनी है। तभी उस आदमी को कुछ होने लगता है और वो अपनी दवाई मांगने लगता है, पर जिन उसे उसकी दवाई देने के लिए हिलती भी नहीं। ये देखकर शियान आगे आता है और उस आदमी को दवाई उठाने लगता है, पर तभी जिन दवाई शियान से ले लेती है फिर उन्हें बाहर फेंक देती है। शियान जल्दी से दवाई लेने बाहर जाने लगता है पर इससे पहले वो आदमी ही मर जाता है। ये देखकर शियान जिन से पूछने लगता है कि उसने ऐसा किया क्यों, जिस पर जिन कहती है कि ये उसका हस्बैंड था लेकिन अब उसे इससे छुटकारा चाहिए था, और वैसे भी उसकी मौत का इल्जाम उनके बजाय उस आदमी की पिछली वाइफ पर जाएगा या फिर उसे हार्ट अटैक आके समझ कर खत्म कर दिया जाएगा। फिर उसी दिन से शियान जिन के लिए काम करने लगा और उसने जिन की स्कूल शुरू करने में भी मदद की, जिसके बाद हम हिकीबी को देखते हैं जो अपने सेल में वर्कआउट कर रहा होता है। तभी शियान भी वहां आ जाता है और हिकीबी को देखने लगता है, जिसके बाद आखिरकार हिकीबी का टाइम पूरा हो जाता है और उसे उस सेल से बाहर निकाला जाता है। जो इंस्ट्रक्टर हिकीबी को लेने आया था वो उससे कहने लगता है कि क्या वो इतने दिनों में यहाँ पागल हो गया है, जिस पर हिकीबी कहता है कि वो तो पहले से भी काफी अच्छा फील कर रहा है। ये सुनकर वो इंस्ट्रक्टर थोड़ा हैरान होता है और हिकीबी को जाने के लिए कहता है। जब इंस्ट्रक्टर हिकीबी के सेल में जाता है वो देखता है कि वहाँ एक काफी खतरनाक सी ड्रॉइंग बनी है, जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स अकाने का पीछा कर रहे होते हैं और वो उनसे दूर भाग रही थी, लेकिन तभी वो मोकू से टकराकर गिर जाती है और वो स्टूडेंट्स अकाने तक पहुंच जाते हैं। तभी वो सभी मोकू का भी मजाक उड़ाने लगते हैं। ये सुनकर अकाने को मोकू से कहती है कि क्या वो उनसे उस बेइज्जती का बदला नहीं लेने वाला, क्योंकि वो उसके सामने ही उसे बुरा बोल रहे हैं। पर मोकू मुंह नीचे करके बैठा रहता है। ये देखकर अकाने सोचने लगती है कि वो किस तरह का इंसान है। फिर वो लड़के अकाने को पकड़ने आगे आने लगते हैं, पर तभी वहाँ हिकी भी आ जाता है। उसे देखकर अकाने हैरान हो जाती है क्योंकि वो पहले से बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। फिर हिकी भी उन लड़कों को जाने की कहता है, पर वो सभी हिकीबी का भी मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो वही है जिसे बैन और यू ने काफी बुरी तरह से मारा था। फिर उनमें से एक हिकीबी को आकर उसे उंगली से धक्का देने लगता है, पर तभी हिकीबी उसकी उंगली पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देता है। तभी उसके बाकी दोस्त भी हिकीबी को मारने आने लगते हैं। हिकीबी मन में सोचता है कि वो अभी उन लोगों की तरह स्ट्रांग नहीं है, पर अगर वो ध्यान दे और सही टेक्निक का यूज करे तो वो उनसे जीत सकता है। तो हिकीबी उनसे अच्छी टेक्निक के साथ फाइट करने लगता है और सभी के वीक पॉइंट्स और जॉइंट्स पर अटैक करता है, जिसकी वजह से कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता और सभी हिकीबी से डर कर भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद हिकीबी अकाने के साथ जाने लगता है और मोकू हिकीबी को देखकर सोच रहा होता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। फिर अकाने और हिकीबी एक रूम में आ जाते हैं और हिकीबी को लग रहा होता है कि अकाने को कोई जरूरी बात करनी है, पर अकाने हिकीबी को ऊपर चढ़ने लगती है और कहती है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और अब तो हिकीबी ने उसकी जान भी बचा ली है, तो वो उसके साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिताएगी।
पर हिकी भी अकाने को दूर करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वहाँ होकू और शिओरी भी आ जाती है क्योंकि उन्हें पता चला था कि अकाने के ऊपर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया है। पर वो यहाँ आकर देखती है कि कुछ और ही चल रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सभी लड़के शियान के साथ रनिंग कर रहे होते हैं। हिकी भी खड़ा होता है और सभी से कुछ बातें करने के लिए परमिशन मांगता है। शियान इसके लिए परमिशन दे देता है। फिर हिकी भी सभी से कहता है कि कुछ टाइम पहले उसने काफी गलत चीजें की जिसकी वजह से उसे सॉलिटरी में भी जाना पड़ा, लेकिन अब वो ऐसा कुछ नहीं होने देगा और पूरी कोशिश करेगा कि सभी के साथ मिलकर रह सके। किसी ने लड़के को हिकीबी की बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन वही शियान को हिकीबी की एक एक बात पर काफी पसंद आती है। फिर हिकीबी कहता है कि आज से सभी स्टूडेंट्स उसके दोस्त नहीं बल्कि उसके भाई है। हिकीबी की बातों से शियान काफी इम्प्रेस होता है और उसे कहता है कि वो काफी ज्यादा अच्छे रास्ते पर जा रहा है और अगर वो ऐसे ही आगे बढ़ेगा तो एक दिन उसे कामयाबी जरूर मिलेगी। ये देखकर सभी लड़के काफी हैरान हो जाते हैं कि हिकीबी ने शियान को अपनी बातों में फंसा लिया। तभी वहाँ सभी लड़की आ जाती है और उसे देखकर शियान उनके इंस्ट्रक्टर से पूछता है कि ये क्या हो रहा है, जिस पर इंस्ट्रक्टर बताता है कि लड़कियां कुंफू की ट्रेनिंग कर रही है और ये इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है कि अब ये लड़कियों से फाइट करके इम्प्रूव नहीं हो पा रही, इसलिए वो उन्हें यहाँ लाया है जिससे वो लड़कों से फाइट कर सके और अपने स्किल्स को बेहतर कर सके। शियान भी इसके लिए मान जाता है और अपने कुछ स्टूडेंट्स को फाइट के लिए भेज देता है, लेकिन होकू और उसके साथियों के सामने कोई लड़का नहीं टिक पाता और सभी काफी आसानी से हार जाते हैं। उनके हारने के बाद हिकी भी शियान से फाइट के लिए जाने की पूछता है, जिसके लिए शियान भी मान जाता है और हिकी भी फाइट के लिए आगे आ जाता है। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं। हिकी भी होकू से कह रहा होता है कि वो चाहता है कि वो सभी मिलकर काम करे और जो भी ये चल रहा है वो सब हिकी भी का ही प्लान है। साथ ही हिकी भी ने होकू से कहा था कि उसे फाइट में बिल्कुल पीछे हटने की जरूरत नहीं और वो अपनी पूरी पावर के साथ फाइट कर सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हिकी भी होकू के पास जाता है और उसे कहता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए वो उसे एक अच्छी फाइट की उम्मीद कर रहा है। लेकिन तभी हिकी भी होकू की चेस्ट पर हाथ रख देता है और कहने लगता है कि वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि एक बार के लिए तो हिकी भी भूल ही गया था कि वो असल में एक लड़की है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स काफी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ऐसी हरकत के बाद तो होकू हिकी भी को काफी बुरी तरह से मारने वाली है। होकू भी काफी गुस्से में हिकी भी को मारना शुरू करती है और हिकी भी पीछे हटते हुए होकू के मुख के रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी होकू का इंस्ट्रक्टर शियान को बताता है कि होकू यहाँ आने से पहले मार्शल आर्ट स्कूल में जाया करती थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा ही स्ट्रांग है और स्कूल के काफी सारे लड़कों से फाइट करने में भी काफी अच्छी है। वही हिकी भी सिर्फ होकू के अटैक्स को रोक रहा था, जिससे सभी लड़कों को लगने लगता है कि अब तो हिकी भी बचने नहीं वाला और ऐसी हरकत करने के बाद तो होकू उसे छोड़ेगी नहीं। सभी लड़कियां भी यही कह रही होती है कि हिकी भी जैसे लड़कों को तो पूरी तरह से मारना चाहिए, लेकिन तभी एक लड़की उन्हें बताती है कि हिकी भी होकू के लिए ट्रैप बना रहा है और होकू उसमें फंसती भी जा रही है। फिर वो लड़की बताती है कि हिकी भी काफी लंबे टाइम से सिर्फ खड़ा होकर होकू के अटैक्स को रोक रहा है और इससे वो अपना स्टैमिना बचा रहा है। फिर वही होकू लगातार हिकी भी पर अटैक कर रही है, जिसकी वजह से जल्द ही होकू थक जाएगी। वही हिकी भी अटैक्स रोकते हुए सोच रहा होता है कि अभी उसे ऐसे कुछ देर और रोक कर रखना होगा। जल्दी हिकी भी का प्लान काम भी करता है और होकू थकने लगती है। मौका देखते ही हिकी भी होकू को टक्कर मार कर जमीन पर गिरा देता है और उसे लॉक में फंसा देता है। होकू लॉक से छूटने की काफी कोशिश करती है पर छूट नहीं पाती, जिसकी वजह से उसे हार माननी पड़ती है। ये देखकर सभी लड़के और होकू का इंस्ट्रक्टर काफी हैरान हो जाते हैं। तभी होकू की दोस्त उसकी मदद के लिए आने लगती है पर होकू उन सभी को रोक देती है। पर होकू का इंस्ट्रक्टर हिकीबी से कहता है कि उसने डर्टी ट्रिक्स का यूज करके होकू को हराया, पर शियान उसे कहता है कि हिकीबी ने किसी भी तरह का मार्शल आर्ट नहीं सीखा और ना ही उसे किसी तरह की फाइटिंग स्टाइल का पता है, तो वो किस तरह से होकू से फाइट करता, इसलिए उसने अपने दिमाग का यूज किया और होकू को हरा के दिखाया भी। लेकिन तभी रियो वहाँ आ जाता है और शियान से कहने लगता है कि ये दूसरी क्लास के स्टूडेंट से फाइट का प्लान तो काफी अच्छा है, इसलिए रियो शियान की क्लास और अपनी क्लास के बीच फाइट कराने की कहता है। और तभी रियो अपनी क्लास लीडर यू को आगे लाता है और कहता है कि वो उनकी क्लास के स्टूडेंट से फाइट करना चाहता है, पर शियान कहता है कि यू को यहाँ पर फाइटिंग में अपने ओपोनेंट को घायल करने की वजह से लाया गया था और यू उसे यहाँ भी फाइट कराना चाहता है। पर शियान कहता है कि यू को यहाँ पर फाइटिंग में अपने ओपोनेंट को घायल करने की वजह से लाया गया था और यू उसे यहाँ भी फाइट कराना चाहता है, जिस पर यू कहने लगता है कि वो सिर्फ एक फ्रेंडली फाइट चाहता था, पर शायद शियान की क्लास में लड़के सिर्फ लड़कियों से ही फाइट कर सकते हैं। यह सुनकर शियान भी थोड़े गुस्से में आ जाता है। वही हिकीबी को समझ नहीं आ रहा था कि रियो ऐसा अचानक से शियान के अगेंस्ट क्यों जा रहा है। फिर हिकीबी सोचने लगता है कि वो होकू से जीत कर शियान का ट्रस्ट जीतने ही वाला था, पर अब हो सकता है कि सबकी वजह से सब खराब हो जाए। पर हिकीबी फैसला करता है कि अगर वो कोशिश भी नहीं करेगा तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तभी हिकीबी आके आता है और शियान से कहता है कि उनकी क्लास में अभी सारे स्टूडेंट्स नए हैं
और वही रियो की क्लास के स्टूडेंट्स काफी टाइम से ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसलिए वो उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो है, पर फिर भी हिकी भी शियान से फाइट करने की परमिशन मांगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो यू को हरा सकता है। ये सुनकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि यू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो पूरे स्कूल के सबसे स्ट्रॉन्ग लोगों में से एक है। पर फिर हिकी भी यू से कहता है कि वो उसे स्टैंडिंग ओवेशन में चैलेंज करना चाहता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्टैंडिंग ओवेशन में सावधान की पोजीशन में खड़ा रहना होता है। उन दोनों प्लेयर्स में से जो भी पहले हिलेगा वो हार जाएगा। यू हिकीबी के इस चैलेंज के लिए मान जाता है और कहता है कि वो चाहे किसी भी ट्रिक का यूज करे, हिकीबी उसे कभी भी जीत नहीं सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि शियान के कहते ही हिकीबी और यू दोनों एक दूसरे के सामने आमने खड़े हो जाते हैं। फिर खड़े खड़े टाइम बीतने लगता है और काफी टाइम भी हो जाता है, लेकिन उनमें से कोई हिलता नहीं। वहाँ खड़े लड़कों की हालत खराब होने लगती है और हिकीबी या यू हार मानने का नाम ही नहीं ले रहे थे। देखते ही देखते एक घंटा बीत जाता है, दो घंटे बीत जाते हैं, तीसरा घंटा भी बीत जाता है। ये देखकर रियो को लगने लगता है कि वह शियान को नीचा दिखाने के लिए आया था, लेकिन अगर हिकी भी ऐसे ही खड़ा रहा तो हो सकता है कि यू हार ही जाए। इसलिए रियो सभी से कहता है कि दोनों प्लेयर्स ने काफी अच्छा किया और उस मैच को ड्रॉ कर देता है। हिकी भी और यू दोनों ही थके जमीन पर बैठ जाते हैं और शियान सभी स्टूडेंट्स को काफी ट्रेनिंग करने की कहता है और हिकी भी को रूम में जाकर आराम करने की कहता है। तभी मोको शियान से कहता है कि वो हिकी भी के रूम में ही रहता है तो वो हिकीबी को वहाँ तक ले जा सकता है। फिर शियान मोको को हिकीबी को उसके रूम तक ले जाने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद हिकीबी को ले जाते हुए मोको उससे पूछता है कि अब तो सब सही हो गया है क्योंकि हिकीबी हारा नहीं, मैच सिर्फ ड्रॉ हुआ है। पर हिकीबी उसे बताता है कि अभी तो सब शुरू ही हुआ है। फिर हिकीबी मोको को जल्दी से एक बाल्टी ठंडा पानी और एक बाल्टी गर्म पानी लाने की कहता है। मोको भी ऐसा ही करता है और जल्दी दो बाल्टी पानी ले आता है। तभी हिकीबी के रूम में यू आ जाता है और वो काफी गुस्से में लग रहा था, लेकिन तभी हिकीबी यू के ऊपर ठंडा पानी डाल देता है और उसे कहता है कि वो काफी टाइम से गर्मी में खड़ा हुआ था तो अब वो पानी से ठीक हो जाएगा। पर यू हिकीबी को मारने आने लगता है, पर तभी हिकीबी यू पर गर्म पानी डाल देता है। यू वापस आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसके पैर कांपने लगते हैं और यू कहता है कि उसे काफी तेज ठंड लग रही है, जिस पर हिकीबी हंसते हुए बताता है कि इससे पहले यू काफी टाइम तक गर्मी में खड़ा रहा और अंदर आते ही उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया गया और उसके बाद गर्म पानी, जिससे यू की बॉडी का टेम्परेचर पूरी तरह से बिगड़ गया, इसलिए यू की बॉडी अच्छे से काम नहीं कर रही। तभी यू उल्टियां भी करने लगता है। फिर हिकीबी बताता है कि ऐसे हालत में यू सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता और हिकीबी अपना पतला लेने के लिए तैयार हो जाता है। तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं कि हिकीबी की क्लास के स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं और वो सोच रहे थे कि हिकीबी की ऐसी हालत के बाद तो यू उसे कभी नहीं छोड़ेगा और हो सकता है कि हिकीबी अभी अपने रूम में फिट ही रहा हो, लेकिन तभी यू हिकीबी के रूम से बाहर गिरता है। ये देखकर वो सभी काफी हैरान हो जाते हैं। तभी हिकीबी यू को मारने बाहर आता है, पर यू का साथ हिकीबी को पकड़ लेता है। हिकीबी उन स्टूडेंट से कहने लगता है कि उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए क्योंकि अगर उन्होंने आज का चांस छोड़ दिया तो वो हमेशा के लिए यू से डर कर ही रहेंगे। पर उन स्टूडेंट्स में से ये कहने लगता है कि उन्हें हिकीबी की बात नहीं माननी चाहिए क्योंकि आज तक हमेशा उसने खुद के साथ उन्हें भी मुसीबत में ही फंसाया है। पर तभी मोको रूम में से यू के साथी को पीछे से चेयर मारता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। मोको को ऐसे फाइट करता देख सभी हैरान हो जाते हैं और मोको चिल्लाते हुए कहता है कि अब वो किसी से नहीं डरेगा क्योंकि वो दूसरों का कुत्ता बनकर थक चुका है। मोको को इतनी हिम्मत करते देख वो उनमें से एक स्टूडेंट उस लड़के को मारता है जो उन्हें हिकीबी के खिलाफ भड़का रहा था। फिर वो सभी हिकीबी से कहते हैं कि वो उसका साथ देने के लिए तैयार है। फिर हिकीबी एक टूटी हुई लकड़ी उठाता है और यू के पास जाकर उसे कहता है कि जो भी मेरे सामने खड़ा होगा उसे उसी दर्द को सहना होगा जो यू सहने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हिकीबी एक सपना देख रहा होता है जिसमे वो शियोरी के साथ रनिंग कॉम्पिटिशन में होता है। तभी शियोरी हिकीबी को वो स्टिक देती है और हिकीबी भागना शुरू करता है। हिकीबी काफी तेज भागता है और बाकी सभी को पीछे छोड़ देता है। ऐसे ही हिकीबी जीत भी जाता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है वहाँ सभी स्टूडेंट्स घायल हालत में पड़े थे और उन्हें देखकर हिकीबी काफी डर जाता है। साथ ही हिकीबी के हाथ में जो स्टिक थी उसमें भी खून लगा था। तभी हिकीबी के पास शियोरी आती है और उसे देखकर हिकीबी काफी खुश होता है, लेकिन तभी हिकीबी की गुस्से वाली पर्सनालिटी आती है जो हिकीबी को उसके साथ सही रास्ते पर ले जाने की कहता है। पर हिकीबी जाने से मना कर देता है और वो हिकीबी पर उस खून वाले स्टिक से अटैक भी करता है। पर तभी शियोरी हिकीबी के आगे आ जाती है और तभी हिकीबी का सपना भी टूट जाता है। हिकीबी के जागते ही वो सभी लड़के उसके पास आ जाते हैं और हिकीबी से माफी मांगने लगते हैं क्योंकि आज तक उन्होंने हिकीबी के साथ काफी बुरा बर्ताव किया था। पर हिकीबी उनसे बहुत अच्छे से बात नहीं करता और सोचने लगता है कि काफी टाइम से उनमें से किसी ने शिन के बारे में कुछ नहीं सुना। फिर हिकीबी उनसे पूछता है कि उन्हें शिन के बारे में कुछ पता है, जिस पर वो बताते हैं कि शिन ने काफी टाइम से किसी तरह की परेशानी खड़ी नहीं की, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं।
एकी भी उनसे कहता है कि अगर उन्हें शिन के बारे में कोई भी छोटी से छोटी बात पता चलती है तो वो जल्दी से आकर उसे जरूर बताएंगे। फिर एकी भी जाते हुए उन सबसे कहता है कि वो सभी उसकी फैमिली है और आज से उन्हें किसी से डर कर रहने की जरूरत नहीं है। साथ ही एकी भी कहता है पर अगर उनमें से किसी ने भी मोको को परेशान या बुली करने की कोशिश की तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर वो सभी ऐसा कुछ करने से मना करते हैं और एकी भी चला जाता है। जाते हुए एकी भी सोच रहा होता है कि वो शिन को कहीं से भी ढूंढ कर निकालेगा, चाहे वो किसी भी कोने में क्यों न छुपा हो, वो उसे बाहर निकाल कर ही रहेगा। सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम हियो है और वो किसी से कॉल पर शिन के बारे में बात कर रहा होता है। हमें दूसरे आदमी को नहीं दिखाया जाता पर वो बातों से शिन का भाई लग रहा था। वापस से सीन शिफ्ट होता है और हम अकाने को देखते हैं जो यू के साथी से उसका फोन छीन लेती है और उसे कुछ टाइम बाद वापस करने की कहती है। वो लड़का ऐसा कुछ करने से मना करता है पर हुकू और शियोरी उसे डरा देती है जिसकी वजह से वो शांत हो जाता है। फिर अकाने उसे कहती है कि जब मजाक खत्म हो जाएगा वो उसे उसका फोन जरूर वापस कर देंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि हियो स्कूल पहुंच जाता है और वो शियान को मार रहा था क्योंकि शियान से कुछ स्कूल के बच्चे संभाले नहीं जा रहे थे और वो सभी आपस में फाइट कर रहे थे। रियो शियान को पिटता देख काफी खुश लग रहा था। वही हियो शियान को इतनी तेज मुक्का मारता है कि उसकी नाक से ब्लड आने लगता है, पर फिर जिन उसे रोक देती है और कहती है कि अगर उसने अभी ये सब बंद नहीं किया तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर हियो शियान को उसकी चोट का इलाज कराने की कहता है और सभी को बताता है कि जब तक शियान बाहर रहेगा वह स्कूल का इंचार्ज बनेगा। ये सुनकर रियो काफी खुश होता है और हियो के साथ जाने लगता है। फिर रियो उसे बताता है कि एक लड़की है, हिकीबी ने बुडो और ये दोनों को बाहर कर दिया है, इसीलिए उसे सबसे पहले हिकीबी को रास्ते से हटाना होगा। पर हियो रियो से फोन के बारे में पूछता है। ये सुनकर रियो थोड़ा डर जाता है और कहने लगता है कि फोन को शुरू करने के लिए पासवर्ड की जरूरत होगी और साथ ही अब उस बात को तो कई दिन हो चुके हैं तो फोन भी स्विच ऑफ हो गया होगा। पर फिर हियो रियो से उसे सब सच बताने की कहता है जो कुछ भी यहाँ इतने टाइम से चल रहा है, क्योंकि हियो को भी समझ आ रहा था कि रियो उससे कुछ ना कुछ छुपा रहा है। जिसके बाद हम अकाने को देखते हैं जो सभी को बताती है कि वो यहाँ किसी भी तरह का इंटरनेट यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये सब रेस्ट्रिक्टेड कर रखा है, जिसकी वजह से वो किसी को कॉल भी नहीं कर सकते। जिस पर शियोरी कहती है कि उन्होंने वादा किया था कि वो शियोरी की उसके छोटे भाई से बात करवाएगी, पर काने बताती है कि यहाँ सिर्फ एक ही स्कूल नेटवर्क है जिसकी मदद से वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये लिमिटेड लोगों के लिए ही है जिसकी वजह से वो उसे यूज नहीं कर सकते। पर काने बताती है कि वो किसी भी तरह के लिमिट्स को आसानी से तोड़ सकती है पर उसे इसके लिए बस थोड़ा टाइम चाहिए होगा। पर फिर शियोरी कुछ सोचने लगती है। ये देखकर अकाने उसे पूछती है कि क्या वो सोच रही है। फिर शियोरी पूछती है कि क्या उन्होंने पिछले कुछ टाइम से शिन को देखा है, जिस पर वो दोनों ही मना करती है। फिर शियोरी उस लड़की जून के बारे में बताती है और बताती है कि वह स्कूल में ही अपने बॉयफ्रेंड से बात किया करती थी, जिसका मतलब स्कूल में कुछ ऐसा भी है जो उन्हें नहीं पता। तभी होको शियोरी से पूछती है कि उसके जैसे एक अच्छी स्टूडेंट ऐसी जगह पर कैसे आ गई। यह सवाल सुनते ही शियोरी अपने पास्ट को याद करने लगती है। तभी वहाँ हिकीबी आ जाता है और वो उनसे कहता है कि उन्हें अब प्लानिंग करने की जरूरत है, पर हिकीबी के आते ही शियोरी वहाँ से चली जाती है। फिर हम यू को देखते हैं जो किसी को बता रहा होता है कि वह जल्दी शिन को ढूंढ लेगा और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। कॉल कट होते ही जून हियो के पीछे आ जाती है और उससे काफी प्यार से बात करने लगती है, जिसके बाद अकाने हिकीबी और होकू शिन के पर्सनल रूम में आ जाते हैं, लेकिन वहाँ शिन नहीं मिलता और सारी काम की चीजें गायब थी, जिसकी वजह से उन्हें काफी गुस्सा आता है। फिर वो सभी वहाँ कुछ काम का ढूंढने लगते हैं और हिकीबी को वहाँ कुछ काम की चीजें भी मिल जाती हैं। साथ ही हिकीबी एक ड्रॉर में काफी सारी दवाइयाँ देखता है, जिससे उसे समझ आता है कि शिन काफी ज्यादा बीमार चल रहा है और ये बात उसे आज तक नहीं पता थी। वहीं दूसरी तरफ शियोरी जून के पास पहुंच गई थी। जून शियोरी को बताती है कि उसके भाई की तबीयत पहले से ही खराब है और उसे ये भी पता चल गया था कि शियोरी को फोन उसके भाई से बात करने के लिए ही चाहिए थी। फिर जून बताती है कि उसे ये भी पता है कि शियोरी तब तक इस स्कूल से बाहर नहीं जा सकती जब तक कि उसके गार्डियंस न चाहे। जिसके बाद हम शियोरी का पास्ट देखते हैं, जहां कुछ साल पहले उसके फादर की किसी बीमारी से डेथ हो जाती है और वो अपने भाई को समझाती है कि वो दोनों और उनकी मदर मिलकर रह लेंगे, लेकिन फादर की डेथ के कुछ दिन बाद ही शियोरी की मदर भी सुसाइड कर लेती है, जिसकी वजह से अब शियोरी और उसका भाई शू अकेले ही रह जाते हैं और शियोरी का भाई शू अभी काफी छोटा था तो उसकी जिम्मेदारी भी शियोरी पर ही आ जाती है। छोटे होने के बाद भी शू शियोरी से कहता है कि वो उसका पूरा ख्याल रखेगा तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। शियोरी और शू अकेले ही बैठे होते हैं और तभी एक आदमी शियोरी के पास जाता है जो शियोरी को बताता है कि वो उनका अंकल है और अब शियोरी और उसके भाई के पास कोई रहने की जगह नहीं थी तो अंकल उन्हें अपने घर पर रहने की कहता है। शियोरी को भी उसके साथ जाना ठीक लगता है और वो भी इसके लिए हाँ कर देती है और वो तीनों साथ रहने लगते हैं। फिर कुछ दिन बाद शू की रिपोर्ट आती है और उन्हें पता चलता है कि एक काफी जानलेवा बीमारी ने शू को घेर लिया है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी खराब है।
पर अंकल शिओरी को परेशान न होने की कहता है क्योंकि वो शू का काफी अच्छा इलाज कराएंगे जिससे शू वापस ठीक हो जाएगा। शिओरी भी ये सुनकर काफी खुश होती है, लेकिन उसके बाद अंकल अपना असली चेहरा दिखाना शुरू करता है और शिओरी का फायदा उठाने लगता है। और अंकल शिओरी से कहता है कि अगर वो उसे एंटरटेन नहीं करेगी तो वो जो अपना पैसा शू के इलाज में लगा रहा है वो बाहर कहीं एंटरटेन होने के लिए लगाएगा, जिसके बाद उसके भाई के साथ क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता। ये सुनकर शिओरी काफी डर जाती है और अंकल को कुछ भी करने से मना नहीं करती, पर शिओरी इसकी वजह से काफी परेशान रहने लगती है। और एक दिन उसे पता चलता है कि उसके अंकल ने उन्हीं का पैसा चुराया है जिसे आज वो इतनी अच्छी जिंदगी जी रहा है। तो जब अंकल शिओरी के पास आता है शिओरी उसको चाकू मार देती है, लेकिन शिओरी के अटैक से वो मरता नहीं और काफी गुस्से में आ जाता है और शिओरी को ऐसी जगह भेजने की कहता है जहाँ से वो वापस अपने भाई से कभी मिल ही नहीं पाएगी, जिससे हमें पता चलता है कि शिओरी असल में कोई फोन एडिक्टेड नहीं थी बल्कि उसके अंकल ने उससे बदला लेने के लिए उसे यहाँ भेज दिया। और अब बिना अंकल की परमिशन के शिओरी कभी इस स्कूल से निकल ही नहीं सकती। अब हम वापस से प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ जून शिओरी की मदद करने के लिए कहती है। जून शिओरी से कहती है कि वो उसे सिर्फ 2 दिन में इस जगह से बाहर निकाल देगी, लेकिन उसके लिए जून जो भी कहती है शिओरी को करना होगा। जिसके बाद हम हिकीबी को देखते हैं जो रात में अकेले खड़ा था और सोच रहा था जो उसे शिन के रूम में इतनी सारी दवाएं और फोन मिली थी। तभी मोकू की भी आंख खुल जाती है और वो तो हिकीबी के पास आ जाता है और उसे पूछने लगता है कि वो इतनी रात में बाहर क्या कर रहा है। पर हिकीबी काफी गुस्से में मोकू से पूछने लगता है कि जब हिकीबी 2 हफ्ते के लिए सॉलिटरी में था क्या तब उसने शिन के बारे में कुछ भी सुना था, कोई छोटी से छोटी बात। जिस पर मोकू मना करते हुए बताता है कि उसने कुछ भी नहीं सुना और ना ही शिन को देखा। फिर हिकीबी मोकू से पूछता है कि जब वो इस जगह से भागा था क्या तब वो सही में बाहर निकल गया था। पर मोकू हिकीबी से पूछता है कि क्या वो यहाँ से भागने की सोच रहा है। मोकू कहता है कि अगर हिकीबी भागने की सोच रहा है तो उसे ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर वो यहाँ से निकल भी गया तो भी कुछ नहीं होगा, वो उसे वापस से पकड़ ही लेंगे। पर हिकीबी मोकू की बात काटते हुए उसे पूछता है कि वो यहाँ से निकला कैसे था, जिस पर मोकू बताता है कि वो एक पर्पल बालों वाले लड़के से मिला था जिसने उसे एक मैप दिया जिसमें कटर का पूरा रास्ता था। पर्पल बालों वाला स्टूडेंट सुनते ही हिकीबी आगे आ जाता है, मोकू से कहता है वो तो जरूर शिन होगा। फिर मोकू बताता है कि उसे यहाँ से बाहर निकलते ही इंटरनेट पर पोस्ट करना था कि यहाँ असल में चल गया रहा है। मोकू बताता है कि उसने पोस्ट किया भी पर उसके पोस्ट करते ही वो अपने आप इंटरनेट से हट गया और इसके बाद मोकू के पेरेंट्स ने उसे वापस भेज दिया। ये सब जानकर हिकीबी के दिमाग में कुछ चलने लगता है। नेक्स्ट डे सभी ट्रेनिंग के लिए आते हैं और आज हिकीबी अपनी क्लास को लीड कर रहा था। फिर हिकीबी अपनी क्लास को बताता है कि अगर वो अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं और शियान को अपनी साइड करने में कामयाब हो गए तो उन्हें बाकी क्लास के सामने डर कर रहने की जरूरत नहीं होगी। हिकीबी भी मन में सोच रहा होता है कि उसे शियान का भरोसा जल्दी से जल्दी जीतना होगा। साथ ही हिकीबी सोचता है कि उसे पता ही है कि शिन स्कूल में ही कहीं ना कहीं है। तभी सामने से सभी इंस्ट्रक्टर आने लगते हैं, लेकिन हिकी भी देखता है कि उनके बीच शियान नहीं है और हियो उनकी क्लास के पास आता है और बताता है कि हेड इंस्ट्रक्टर शियान कुछ टाइम नहीं आ पाएंगे और जब तक वो ही उनकी क्लास का टीचर है। ये सुनकर हिकी भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि ज़रूर उस आदमी ने ही शियान के साथ कुछ किया होगा। फिर हियो उनकी ट्रेनिंग शुरू करता है और उन्हें बताता है कि वो अपने तरीके से उनकी ट्रेनिंग कराएगा। फिर हियो सभी को सीधा खड़ा होने की कहता है और बताता है कि उन्हें 2 घंटे के लिए ऐसे ही खड़े रहना होगा। साथ ही अगर उन सभी में से कोई एक भी 2 घंटे से पहले गिर गया तो उन सभी को स्टार्टिंग से शुरू करना होगा। ये सुनकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं और हियो उनकी ट्रेनिंग शुरू भी कर देता है। सभी को खड़े रहते हुए काफी टाइम हो जाता है और हियो खुद आराम से साइड में पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी मोकू चक्कर खाकर गिर जाता है। ये देखकर ही उनके पास आ जाता है और कहने लगता है कि उनमें से एक इतनी जल्दी गिर गया और पिछले दिन उन्हीं में से कोई यूबी के साथ टाई तक कर लिया था। फिर ही मोकू को उठा लेता है और उससे कहने लगता है कि अगर वह जल्दी से वापस खड़ा नहीं होगा तो उसकी पूरी क्लास को धूप में इंतजार ही करना होगा। ये देखकर हिकी भी आगे आ जाता है और हियो से कहता है कि वो सभी अभी न्यू स्टूडेंट्स हैं और अभी उनमें इतना स्टैमिना नहीं है कि वो इतनी ट्रेनिंग सह सके, इसलिए हिकी भी आज के लिए सभी स्टूडेंट्स की पनिशमेंट खुद पर लेने की कहता है क्योंकि उसी ने होकू को हराया था और साथ ही यू के साथ मैच भी टाई किया था। ये सुनकर हियो बाकी सभी स्टूडेंट्स को बैठने की कह देता है और हिकीबी को अपने साथ लेकर जाने लगता है, जिसके बाद हियो हिकीबी को ऑफिस में ले आता है और उसके साथ बैठकर चाय पीने लगता है। हिकीबी हियो से पूछता है कि वो उसे यहाँ पर क्यों लेकर आया है जबकि वो तो एक नॉर्मल स्टूडेंट है, जिस पर हियो बताता है कि यहाँ सभी स्टूडेंट्स हैं पर हिकीबी उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट है। पर हिकीबी कहता है कि उसने तो ऐसा कुछ भी किया नहीं है जिसे वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट कहलाए। फिर हियो कहता है कि हिकीबी स्कूल का सबसे फेमस लड़का है,
क्योंकि हियो जब यहाँ आया था उसने सबसे पहले हिकीबी का नाम सुना और सभी स्टूडेंट्स उसकी इज्जत करते हैं और उसे अपना नया लीडर भी मानते हैं। ये सुनकर हिकीबी थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि वो पूरे स्कूल का लीडर बनेगा। फिर हियो हिकीबी से कहता है कि अगर वो रियो और उसके साथ मिलकर वो पूरे स्कूल पर रूल कर सकता है। अब हिकीबी को ये सब सुनकर शिन की उस दिन की बात याद आती है जब शिन ने उसे वो तीन चीज़ें करने को कहा था, जिसमें तीसरी चीज़ यही थी कि हिकीबी को पूरे स्कूल में सबसे टॉप पर आना होगा। हियो भी हिकीबी को इस बारे में सोचने के लिए टाइम देता है और हिकीबी सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सीन शिफ्ट होता है और हम शियोरी को देखते हैं जो सॉलिटरी सेल में होती है, तभी वहाँ हिकीबी भी आ जाता है और शियोरी को इस हालत में देखता है। तभी हियो कहता है कि पहले शियोरी स्टूडेंट्स काउंसिल की प्रेसिडेंट हुआ करती थी, पर अब वो यहाँ बंद पड़ी है, इसलिए पावर ज़रूरी होती है, जिसके साथ पावर होती है वो कुछ भी कर सकता है। ये देखकर हिकीबी हंसने लगता है और हियो से कहता है कि वो उसके साथ काम करेगा। फिर हिकीबी हियो के साथ बाहर आ जाता है और हियो हिकीबी से कहता है कि उसे जून वाला फ़ोन कहीं से भी चाहिए। हिकीबी भी वो फ़ोन कैसे भी लाने की कहता है, जिसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि हिकीबी वो फ़ोन लाकर हियो को दे देता है और उसे कहता है कि उसने फ़ोन को चार्ज भी कर दिया है, जिस पर हियो हिकीबी से कहता है कि उसने काफ़ी जल्दी ये काम पूरा किया। हिकीबी बताता है कि सबकी मदद के साथ ये काम काफ़ी आसान था। पर हिकीबी हियो से शियोरी को सॉलिटरी सेल से बाहर निकालने की कहता है और हियो इसके लिए मान भी जाता है, जिसके बाद हिकीबी शियोरी को उठाकर ले जा रहा होता है, पर वो उसे रास्ते में रख देता है और कहने लगता है कि उसे पता भी नहीं था कि शियोरी इतनी ज़्यादा भारी हो गई। तभी हिकीबी रोने भी लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स के सामने अनाउंसमेंट की जाती है कि अब से हिकीबी स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है और साथ ही डिक्लाइन ऑफिसर भी है। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स काफ़ी हैरान होते हैं। फिर सिन हियो पर शिफ्ट होता है जो हिकीबी को शिन को ढूंढने का काम दे रहा होता है। हियो बताता है कि उसने पहले से अपने सभी इंस्ट्रक्टर को शिन को ढूंढने का काम पर लगा रखा है, लेकिन कोई भी इस काम को पूरा नहीं कर पा रहा। पर हियो को लगता है कि हिकीबी शिन को ढूंढ सकता है। साथ ही हियो बताता है कि अगर हिकीबी शिन को ढूंढ लेता है तो उसके पास हिकीबी के लिए काफ़ी अच्छा गिफ्ट है और साथ ही हियो हिकीबी को शिन के साथ कुछ भी करने देगा। यह सुनकर हम हिकीबी के चेहरे पर एक ईवल स्माइल देखते हैं और हिकीबी कहता है कि वह ज़रूर शिन को ढूंढ कर निकालेगा। हिकीबी के जाने के बाद रियो हियो से कहता है कि वो हिकीबी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा है, जिस पर हियो कहता है कि एक ऐसा लड़का जो नीचे से टॉप पर आया हो वो कभी और ज़्यादा पार हासिल करने का मौका नहीं छोड़ सकता, इसलिए उसे हिकीबी पर पूरा भरोसा है। जिसके बाद हम देखते हैं इंटरनेट पर हिकीबी के स्कूल की न्यूज़ लीक हो चुकी है और साथ ही सभी न्यूज़ रिपोर्टर्स के पास और साथ ही आम लोगों तक भी न्यूज़ पहुंच चुकी है कि इस स्कूल में कानून तोड़ा जा रहा है और यहां के स्टूडेंट्स के साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। हियो को भी पता चलता है कि उनके स्कूल के बारे में सबको पता चल रहा है। तभी रिपोर्टर्स भी स्कूल के बाहर आकर सवाल जवाब करने लगते हैं, लेकिन जिन वहाँ आ जाती है और उनके हर सवाल का जवाब देने की कहती है, जिसके बाद हम हिकीबी को देखते हैं जो हियो के सामने आ जाता है और हियो स्कूल से भागने वाला था क्योंकि अगर वो बाहर रहेगा तो वो सब वापस कंट्रोल कर सकता है, पर हिकीबी ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि न्यूज़ लीक होने में हिकीबी का भी हाथ है। तभी हिकीबी हियो को बताता है कि उसने शिन के साथ मिलकर ये सब प्लान किया और उनका प्लान कामयाब भी हो गया क्योंकि अब सभी को इस स्कूल की असलियत के बारे में पता है। तभी हमें पता चलता है कि अकाने ने शियोरी के साथ हॉस्पिटल जाकर फ़ोन से सारी न्यूज़ लीक की है। तभी हियो गुस्से में हिकीबी को मारने लगता है और हियो इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि हिकीबी उससे बच तक नहीं पा रहा था, लेकिन तभी वहाँ शियान आ जाता है और हियो को रुकने की कहता है, पर हियो हंसते हुए कहता है कि उसके पास काफ़ी सारे बच्चे हैं और वो उन्हें सभी रिपोर्ट्स के सामने खड़ा कर देगा और सभी स्टूडेंट्स यही कहेंगे कि यहाँ सब सही चल रहा है। फिर सभी रिपोर्ट्स को बच्चों की बातों पर भरोसा करना होगा और उनके स्कूल का नाम वापस ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी हियो देखता है कि ग्राउंड में एक भी बच्चा नहीं है, जिस पर शियान हियो से कहता है कि वो हमेशा के लिए स्टूडेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। पर फिर भी हियो को ज़्यादा चिंता नहीं होती क्योंकि उसे पता था कि पुलिस नहीं आने वाली, क्योंकि ये न्यूज़ सिर्फ एक इंटरनेट र्यूमर है जिसकी वजह से इसके लिए पुलिस तो कभी नहीं आएगी। पर तभी शिन अपने रूम में पेट्रोल डालकर आग लगा देता है, जिससे वहाँ काफ़ी तेज़ ब्लास्ट होता है। ये देखकर सभी रिपोर्टर पुलिस को बुलाने लगते हैं। ये देखकर जिन और हियो दोनों ही काफ़ी हैरान हो जाते हैं क्योंकि अब तो आग की वजह से पुलिस ज़रूर आएगी। पर शियान कहता है कि अब वो कहीं नहीं भाग सकता। साथ ही शियान हिकीबी को भी कहता है कि उसके पास अभी भी कुछ काम है जिसे पूरा करना है। फिर हिकीबी वहाँ से चला जाता है और शियान हियो से कहता है कि जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तभी हियो शियान को मारने आगे आता है, पर शियान सिर्फ एक मुक्का मारकर हियो को गिरा देता है और हियो सिर्फ एक मुक्के के बाद वापस खड़ा भी नहीं हो पाता। तभी हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स मिलकर सभी इंस्ट्रक्टर को पीट दिया था, जिसकी वजह से अब हियो का साथ देने के लिए भी कोई नहीं बचा था।
दूसरी तरफ हिकी भी शिन के पास छत पर जा रहा होता है, पर रास्ते में काफ़ी आग लग चुकी थी, लेकिन फिर भी आग की चिंता किए बिना हिकी भी आगे बढ़ता है और वहीं छत पर शिन पुलिस को आते हुए देख रहा होता है। तभी वहाँ हिकी भी आ जाता है और उसे देख कर शिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इस तरह होता है इस स्कूल का एंड। हिकी भी और शिन का प्लान कामयाब होता है और सभी बच्चों को आज़ादी मिलती है। इसी के साथ ये सीरीज़ यहीं ख़त्म होती है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।